हे गाइस होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ही अच्छी लगेगी ड्रामे की स्टार्टिंग में ही ना हमें स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी का ही सीन दिखाया जाता है जो कि नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए अरेंज की गई थी इस स्कूल में वही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिनका जोड़ी हिसाब से कोई ना कोई सुपर पावर तो होती ही है अब इस सेरेमनी में स्कूल के प्रिंसिपल आज स्टूडेंट्स को एडमिशन लेटर देने की बात करते हैं एंड फर्स्ट लेटर देने के लिए वो वैन चीचन को बुलाते हैं वैन चीचन का जोड़िए साइन लि है और इसके सुपर पावर स्किल रोइंग है और पी एश हाउ को बुलाया जाता है इसका जोड़िए साइन एरीज है और इसके सुपर पावर स्पीड को इन्हेंस करना होता है सो मीन यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सब पास कोई ना कोई सुपर पावर तो है ही सही और यहाँ पर गैंग्स भी हैं जिनका कोई ना कोई तो लीडर होता ही है अब यहाँ पे प्रिंसिपल सभी को ही बुला के फिर उनकी एबिलिटी के लिहाज से ही लेटर दे, दे देते हैं एंड पे बारी आती है हमारे हीरो फंक ट्यन्न से ही प्रिंसिपल तो यहाँ पे उसे स्टेज पे आने को ही बुला रहे थे अब तो तब उसकी तरफ देख के ना सबकी शक्लें ही बन जाती हैं और प्रेसिडेंट साहब भी उसे देख के एकदम शौक ही रह जाते हैं कि फंक से तुम्हें क्या हो गया तुम्हारी एज क्यों इतनी ज़्यादा हो गई है वो आदमी उन्हें बताता है कि एक्चुअली में फंक्टियां से मैं नहीं बल्कि उसका मैं तो ड्राइवर हूँ और वो ये यहाँ पे फंके कह

तो उसके इस बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अब यहाँ पे मोजे जियान फंग को बताता है कि मुझे बहुत टाइम से ना तुम्हारा ये एरोगेंट एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था तभी फिर वहाँ पे शहनाओ आ जाता है जो कि फ़ंग तियानज़े का फ्रेंड ही था और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे इसे फाइट करना चाहते हो वो तो आगे से आई इसी इरादे से थे फंग से यहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड से यही कह रहा होता है कि देखो तुम टेंशन ना लो मैं इन लोगों को अकेले में ही देख लेता हूँ और वो फिर उन्हें बाहर की बजाय अंदर फाइट करने को कहता है यहाँ पर ड्राइवर फिर फंग से के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था तो शैन उसे कहता है कि डोंट वरी मैं तो फंक के लिए नहीं बल्कि इन लोगों के लिए परेशान हो रहा हूँ अभी देखना कि इन बदमाशों का क्या बुरा हाल होने वाला है और तभी सारा गैंग फंग से मार खाता हुआ बाहर आया पड़ा होता है फिर फंग उन्हें बहुत से कार्ड्स दे के कहता है कि मेडिकल का बिल तरफ से पे कर लेना और तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि से का साइन लियो है और उसकी सुपर पावर रोरिंग स्किल ही है इसके बाद ही हमें फिर बहुत साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि ट्वेल्व कॉन्स्टलेशन के अलावा भी एक कॉन्स्टिलेशन थी जिसका नाम था अफ्यूकस अफ्यूकस बाकी कॉन्स्टिलेशन की नस्बत बहुत ही डिफरेंट था और उसकी एबिलिटी ये थी कि वो बाकी कॉन्स्टिलेशन की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता था जो कि काफ़ी परेशानी की बात थी फिर एक बार में ये कॉन्स्टिलेशन हार गया तो फिर बाकी कॉन्स्टिलेशन से मिल ना उसे फिर जोड़िए एक साइन से ही बाहर निकाल दिया था अब फिर हमें फंग्स फैमिली के एल्डर्स दिखाए जाते हैं जो कि इस बात को कंफ्यूज और परेशान हो रहे होते हैं कि क्या फंग फैमिली का एक लियो साइन वाला बच्चा पैदा हुआ है या नहीं जो इस फैमिली की मिस्ट्रेस थी उसके प्रेग्नेंट होने पे बहुत से रूमर्स फैले होते हैं कि उनके बच्चे की तो टू मंथ पहले ही डेथ हो चुकी है और अब ये अपनी प्रेगनेंसी का झूठ बोल रही हैं और इस बात पर तो दो एल्डर्स आर्ग्यू भी करने लगते हैं तो फिर उन्हें एक बिग एल्डर समझाता है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फैमिली का ना एक रूल ये भी था कि जो कोई भी उनकी फैमिली में लियो साइन के साथ पैदा होगा बच्चा ना सिर्फ उसे इस फैमिली का हाइड बनाया जाएगा और यहाँ पे एक एल्डर फिर मिस्टर ये तो बस उनकी बातें सुनने की बजाय ना फ्री लगा के अपनी मस्ती में बैठे होते एंड देन यहीं पे ये सीन कट और फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर फंग जो कि काफ़ी लोते हैं वो दिखाए जाते हैं और उनकी वाइफ जो कि प्रेगनेंट नहीं होती बल्कि उन्होंने प्रेगनेंट होने का झूठ ही बोला होता है वो दिखाई जाती हैं उनका बेबी प्री मिच्योर होने की वजह से मर गया था ऐसे तो खैर रूमर्स ने फैलिया ये क्या सच है या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा ना और अब वो ये सोच रही होती हैं कि इस क्रिटिकल कंडीशन को वो कैसे फेस करेंगी अब फिर मिस्टर फंक की भी यहाँ पे तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और बाहर तो बाकी फैमिली को सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लेने की पड़ी थी वो लोग एक दूसरे से आर्ग्यू करने में बिजी यहाँ पे फिर हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर फंग का किसी और लेडी के साथ अफेयर भी था और मिसेस फंग उससे पूछती हैं कि तुम्हारा जो एक दोस्त मिस्टर चंग भी था ना वो भी काफ़ी दिनों से गायब है क्या तुम मुझे बता सकते हो को वो किधर है और साथ ही साथ फिर मिसेस फंग के पूछने पे ना फंग हमेशा हिलाता है कि उनकी दूसरी बीवी भी है और एक्चुअली में वो भी प्रेग्नेंट ही थी और उसका बेटा भी साइन के साथ ही पैदा हुआ था और उसे ये भी पता चलता है कि चंग वे की वाइफ भी प्रेगनेट है फिर मिसिज़ फंग उससे उनकी फिर डायरेक्शन का पूछती है कि अब वो किधर है क्या आप मुझे बता सकते हो क्योंकि वो अब उन्हें ढूंढ अपने पास लाना चाहती थी और जब मिस्टर फंग उसे कुछ नहीं बता पाते तो वो समझती है कि ये मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं तो नर्स उसे कहती है कि स्क्रीन तो बंद हो गई है वो कैसे बताए फिर वो स्क्रीन ऑन करती है तो मिस्टर फंग फिंगर रख के उसे डायरेक्शन बता देते हैं और फिर वो एक असिस्टेंट लिंक को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देती हैं दूसरी तरफ हमें भी चैंगवे को ही दिखाया जाता है और मिस्टर फंक की दूसरी वाइफ को जो अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रही होती हैं और तभी एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी को हिट कर देती है और इस तरह उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और ये सब क्या दर मिसेज फंक का ही होता उसने असिस्टेंट को इनको लेने के लिए नहीं बल्कि इनको मरवाने के लिए भेजा था और यहाँ पर चैंगवे जब माँ और बच्चा दोनों को गाड़ी से निकालने की ट्राई कर रहा होता है तो तभी बच्चे के रोने से गाड़ी का डोर खुद ही ओपन हो जाता है मीन के वो बच्चा मरा ही नहीं था बल्कि जिंदा है मिसिज फंग का ये मिशन तो नाकाम हो चुका था लेकिन उसे इस बारे में कोई पता नहीं होता और उधर लियांग माँ एक बच्चे को मिसिज फंग को देता है जो अब उनकी फैमिली का हायर बनेगा लेकिन फिलहाल उस बच्चे की आइडेंटिटी नहीं बताई गई कि वो किसका बच्चा है और ये बच्चा हमारा मेल लीड फंग आंजे ही था और इसका नाम मिस्टर मोयान ने खुद ही फंग टिजे रखा था और उस बच्चे को गोद में लेते ही ना यहाँ पे उनकी तो डेथ हो गई थी और फिर सबको अनाउंस कर दिया गया था कि फंग मिसिज़ फंकियाँ साइन बच्चे की पैदाइश हुई है तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है ऑफिस में प्रेजेंट और उनका असिस्टेंट नूडल्स के बॉल्स पर नजरें जमा कर बैठे होते हैं लेकिन फ़िलहाल उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर ये बॉल्स किसने यहाँ पर आकर रखे हैं असिस्टेंट तो फ़ौर से उन बाउल्स को अपनी तरफ दिखेलता है तो प्रेसिडेंट भी उस वक्त असिस्टेंट से एक बाउल ले लेता है इन नूडल्स में से प्रेसिडेंट को कुछ मैजिकल दिखता है तो वो फिर असिस्टेंट से कह के फ़ौर से उस शॉप पर जाने को कहते हैं और उसका नेम तो बाउल पर ही लिखा हुआ था सो तो इन्हें उनको ढूंढने में ना कोई भी दिक्कत नहीं होती अब फिर नेक्स्ट सीन में हमें इस ड्रामे की फीमेल लीड चेंग आर को ही दिखाया जाता है चेंग आर का जोड़ी एक साइन वीर को होता है लेकिन फिलहाल उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है लेकिन वो चीज़ों को बहुत अच्छे से अरेंज करने की एबिलिटी ज़रूर रखती है आज जब वो अपना काम ख़त्म करके जैसे ही रेस्टोरेंट पर पहुंचती है तो तब तक प्रेसिडेंट और असिस्टेंट भी उसी रेस्टोरेंट पर ही आ चुके थे फिर चैंगसी आर उन्हें रेस्टोरेंट में लेकर आती है और फिर वो लोग चेंग से मेन्यू का पूछते हैं और फिर नूडल्स ऑर्डर करवाते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट चैंगसी आर से पूछते हैं कि ये नूडल्स तुमने बनाए हैं तो वो फिर कह देती है कि हाँ मैंने ही बनाया है फिर वो उसे और नूडल्स बनाने के लिए भेज देते हैं और ख़ुद भी उसके पीछे ही आ गए थे और फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि चैंगसी आर में कोई ना कोई एबिलिटी तो ज़रूर है जो उसके नूडल्स यूँ हो जाते हैं फिर वो चैंग जियाार को अपने स्कूल का बताते हैं और साथ में उसे अपने स्कूल का बैच भी दिखाते हैं अब ऐसा सा बैच तो यहाँ पे चैंग जियाार के पास भी होता है ये सब देख के ना वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है अब फिर प्रेसिडेंट के पूछने पे ना वो फिर उन्हें सारी बात का बता देती है कि बचपन में कैसे एक लड़के ने ये उसे दे दिया था उस वक्त इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी तब उसने उसकी जान बचाई थी फिर प्रेसिडेंट उसे बताते हैं कि हमारे स्कूल का सिस्टम अब चेंज हो गया और हम बड़े स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे रहे हैं भी हमारे स्कूल में एडमिशन ले सकती हो और वो तो उससे स्कूल चार्जेस भी नहीं लेने वाले थे और जो कार्ड उन्होंने चेंग को दिया था वो तो गलती से अब आग पर ही रख बैठते हैं अब फिर चेंग सी को एक और कार्ड देकर वहाँ से चले जाते हैं अब फिर बाद में चेंग इस बारे में अपने अंकल से डिस्कस करती है वो तो उसे स्कूल जाने की इजाज़त दे देते हैं फिर चेंग उनके लिए सैड भी फील करती है कि वो अकेले कैसे इस रेस्टोरेंट को चला पाएंगे वो तो फिर उससे इसकी फ़िक्र ना करने को ही कहते हैं यहाँ पर चेंग के अंकल की स्टोरी के अकॉर्डिंग ना चेंग जी के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी क्योंकि वो हमेशा ही चेंग जी को उसके पेरेंट्स की डेथ की स्टोरी डिफरेंट तरीके से ही बताते थे फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि चेंग जी के फादर मिस्टर फंग के वही फ्रेंड थे जिसको मिसेस फंग ने मरवाने के लिए लियांग को भेजा था और ये बात चेंग को अंकल ने नहीं बताई थी फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंग से स्कूल की अकेडमी में ही आ चुकी होती है और यहाँ पर वो ऑटोमेटिक डोर को देख काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो तो इधर खेलने ही लग गई थी फिर एक गार्ड उसे ये करने से मना करता है क्योंकि वही बेचारा बार बार डोर को ओपन और क्लोज कर रहा था फिर फाइनली चेंग चैंग जियाारकेडमी में एंटर हो ही जाती है और वहाँ पर मौजूद एक आदमी उसे का ही वाम वेलकम करते हैं और वो उसे कहते हैं कि यहाँ से जो भी चीज़ें लेना चाहती हो ना ले लो ये सब फ्री हैं तो चेंग भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती है और फिर यहाँ पर हम फेंग टियांजे को भी देखते हैं चेंग जियाार तो फिर ड्रेसिंग रूम के बाहर जाकर कर कन्फ्यूज़ हो जाती है उसे समझ नहीं आ रही होती है कि किधर जाना है तो फिर वो एक मे बी ओनली रूम में एंटर होती हैं और मैं आपको ये बता दूँ कि मे बी फंक्टियाजे का ही निकने है मीन के चेंग जियार इस वक्त फंग फंक्टियाजे के रूम में ही एंट्र हुई है और फिर फंग फंक्टियांजे भी यहीं पे ही मौजूद था और यहाँ पर एक दूसरे से अनजान वो दोनों ड्रेस चेंज करने लगते हैं और गलती से एक दूसरे की पैंट्स पहन लेते हैं फंग फंक्टियाजे तो उसे देख लेता है चैंग उसे देख कर चीख मारती है और उसे बुरा भला कहती वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ पर शेनहाव भी आ गया था और वो इससे पहले के फंग टियाजे को चैंग जियार को लेकर छेड़ता फंग टियांजे वहाँ से चला जाता है फिर बाहर चैंग फंग को देख के उसे ठड़की कहती है इससे पहले के फंग से कुछ कहता शैन हाँ उसे रोक देते है और वो चेंग से पूछते हैं कि क्या हम तुम स्कूल छोड़ दें तो चेंग तो कहती है कि जैसे पहले उसने चेंजिंग रूम में मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की है गाड़ी में ही इसने ऐसा ही करना ये कहते ही माँ से चली जाती है शैन फेंग से कहता है कि फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने ना तुम्हें यू रिफ्यूज़ किया चेंग से यार जब गाड़ी में एंट्री होती है तो वैन उसे कहता है कि ये मेरे बगल वाली सीट खाली है यहाँ पे आ जाओ लेकिन यहाँ पर तो पूरी की पूरी बस ही खाली होती है ये देख चेंग की तो यहाँ पे हंसी ही छूट जाती है लेकिन फिर भी वो वैन के साथ वाली सीट पर आकर बैठती है और फिर थोड़ी ही देर में इन दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी हो गई थी फिर स्कूल आकर चंगजियार प्रेसिडेंट के पास आ जाती है प्रेसिडेंट उसे स्कूल में देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिर यहाँ पर उन्हें यह भी पता चलता है कि चंगजियार को अभी झूठी एक साइंस और कॉन्स्टिटेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं फिर वो उसे इस सब के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं और यहाँ पर चंग देखती है कि स्कूल में तो तकरीबन सबके पास ही कोई ना कोई सुपर पावर तो ज़रूरी थी और यहाँ पर प्रेसिडेंट उसे जैमिना के बारे में बताते हैं कि ये तो खुद को डबल क्या ट्रिपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फिर यहाँ पर एक लड़की चेंगज़ियार जियार से कहती है कि अभी तुम्हें आंख पे ना बॉल लगने वाली है और वो उसे बॉल से बचाने को कहती है लेकिन तभी एक बॉल आकर चेंगज़ियार जियार को हिट कर देती है और उसकी वजह से चैंग जियार तो बेहोश इसी के साथ ही फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब चैंगजियार बहुत ज़्यादा छोटी थी काफ़ी तब जहाँ पर ट्रबल में ही पड़ी होती है उस पर एक पत्थर गिरने ही वाला था एंड तभी प्रेजेंट में चैंगजियार की आंख खुल जाती है फिर बेबे -बे और प्रेजिडेंट उसका हाल चाल पूछते हैं क्योंकि बॉल लगने से वो तो बेहोश हो गई थी और यहाँ पर बेबे चैंगजियार को खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है और साथ में थोड़ी देर में वो उसकी फ्रेंड भी बनी गई थी और उसे फिर स्कूल विजिट करवाने के लिए लेकर जाने लगती है फिर बाहर चैंगजियार को पता चलता है कि बेबे का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है जूडोंग यहाँ पे चैंग जियार खुद को पेडोंग से इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी और साथ में उन्हें ये भी बताती है कि मेरे पास तो कोई भी सुपर पावर नहीं है इस बात से वो दोनों काफी सरप्राइज होते हैं क्योंकि स्कूल में मौजूद सारे स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई तो अबिलिटी जरूरी थी फिर बेबे यहाँ पे चैंग जियार को एक स्टूडेंट दिखाती है जिसके पास के ट्रांसफॉर्मेशन की ही अबिलिटी थी फिर जोडोंग चैंगेबे को आइसक्रीम ला कर देता है यहाँ पे जूडोंग उन्हें बताता है कि ये आइसक्रीम मैंने थर्टी परसेंट ऑफ मिली है और फिर हम देखते हैं कि इन बेवकूफ को ये नहीं पता होता कि नंबर प्लेट पर तो 50 लिखा हुआ था यहां पर चेंग अपने ही गर्ल को तो चैंग काफी है पर स्कूल में वो एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी सुपर पावर से ना ठड़की पन करने की कोशिश कर रहा था तो जूडोंग उसके इस बेहूदा इरादे को अपनी पावर से नाकाम कर देता है फिर बेबे चैंग से पूछती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या तो जब चैंग जर उसे नहीं कहती है तो वो काफी शौक खैर उसके पास तो एक बॉयफ्रेंड था ना बेबे के पास माइंड रीडिंग की सुपर पावर होती है तो वो फिर चैंग का माइंड रीड करने लगती है फिर वो चैंग को बताती है कि तुम्हारे माइंड में किसी के लिए फीलिंग्स तो ज़रूर हैं और वाकई में चैंग के हार्ट में अभी तक वही छोटा लड़का था जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी और स्कूल का बैच भी दिया था फिर बेबे उसे बाहर लेकर आती है जहाँ पर स्टूडेंट्स ने डिफरेंट स्टॉल्स लगा कर रखे थे यहाँ पर हम लिया यादांग को देखते हैं जो कोई सॉन्ग सिंग कर रहा था और बिल्कुल एक रॉक स्टार की तरह लग रहा होता है सब गर्ल्स उसका सॉन्ग बड़े शौक से सुन रही थी सिवाय हाउ बेबे के इसके सॉन्ग में ना उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता यहीं पर हम चेंग को भी देखते हैं और फिर तभी ही हमारे हीरो फंग त्याजे के गैंग की एंट्री होती है फिर सब गर्ल्स यादाम के सॉन्ग को सुनने की बजाय फंग त्याजे के गैंग को ही देखने लग जाती हैं और अब तो हाउ बेबे भी फंग को बड़े प्यार बड़ी निगाहों से ही देखने लग गई थी और फिर यहाँ पर, पर बू एंग गैंग और ही वे के की आपस में टक्कर हो जाती है और फिर यहाँ पर ही चेंगज यार जब शनहाओ की सुपर पावर्स को देखती है तो वो फिर इमेजिन करने लगती है कि कहीं बचपन में इसी ने ही तो मेरी जान नहीं बचाई थी क्या और तब तो चेंग ने उस लड़के को अपना फेवरेट रुमाल भी दिया था जिस लड़के ने उसकी हेल्प की थी और फिर यहाँ पर जब वो लिया दाग की सुपर पावर देखती है तो वो सोचती है कि शायद शैन नहीं बल्कि लिया दांग नहीं बचपन में उसकी जान बचाई होनी है अब यहाँ पे बु एंग गैंग तो उन्हें वहाँ से जान ही नहीं दे रहा होता तो फिर तभी हमारा क्यूट सा हीरो अपने हीरो पंथी दिखाने की ट्राई करता है सो तो स्वीट ना लेकिन तभी चैंग जिया फैंग को देखकर कहती है कि ये तो वही ठड़की है ना जिसने चेंजिंग रूम में मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की थी ये सुनकर तो बाकी गर्ल्स को चेंगजियार पे गुस्सा आ जाता है कि ये हमारे हीरो के बारे में क्या कह रही है और वो तो हमारी मासूम सी चेंगजियार पे ना हनी बीस की तरह अटैक कर देती हैं तो इस तरह चेंगजियार को चोट भी लग जाती है तो वो फिर ऊपर से ना वैन आकर उसे वहाँ से लेकर जाने लगा था फिर बाद में क्लास में फिर मैम चेंग से को पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस करवाती हैं लेकिन यहाँ पे तो उल्टा पूरी क्लास उसका वेलकम करने की बजाय हंसने नहीं लग जाती है टीचर तो यहाँ पे फिर उन सभी को ही ना कि क्वाल ट्रेन कोई बोलने लगी थी चेंग जब एक खाली सीट पर बैठने लगती है तो उसे फील होता है कि जैसे यहाँ पर पहले ही कोई बैठा हुआ है तो ली लीजादांग उसे बताता है कि ये शावमिंग है और उसे की ये सीट है फिर बेबे चेंग को अपने पास बुलाती है और वो फिर जू डोंग को वहाँ से उठा कर अपने साथ चेंग को बिठा लेती है और यहाँ पर बेबे उसे शावमिंग का बताती है कि उसके सुपर पावर इन है ये सुनकर तो चैंग तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ रह जाती है कि क्या कमाल का स्कूल है ना ये यहाँ पर चैंग जब लिया आदांग को देख रही होती है तो बेबे उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा लिया आदांग पे क्रश है तो चैंग नाम भी सर हिला देती है इधर ये चैंग जियार को बेबे से ये भी पता चलता है कि यहाँ पर मोजी जेंग की जगह ना उसकी सर्वेंट क्लास अटेंड करती है फिर क्लास में जब फेंग ट्लेंसे के पास पेन नहीं होता तो फिर हाउ बेबी उसे अपना पेन देकर कहती है कि ये ले लो लेकिन हमारा हीरो तो उसे कोई भाव ही नहीं देता और ना ही उससे पेन लेता है बल्कि वो तो शैन का पेन ले लेता और शैन भी यहाँ पे हाउ बेबी से उसका पेन लेकर स्माइल करने लगा था फिर बाद में फिर चैंग जियार और हाउ बेबी की मुलाकात हो जाती है यहाँ पर बेबी उसे एडिशन देती है और साथ में अपने सुंदर होने पर रश्क भी कर रही थी फिर चैंगजियार उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है आओ बेबे तो उसे यही बताने लगी थी उधर हम ली यादांग गाना बना रहा होता है, है। यहाँ पर चेंग उससे टू दी पॉइंट बात करती है क्या तुमने दस साल पहले किसी लड़की की हेल्प की थी क्या और साथ में उसे बैच भी दिखाती है कि क्या ये तुम्हारा है तो ली यादांग उसे कहता है कि मैं भला तुम्हें लोगों की हेल्प करने वाला दिखता हूँ मैं तो बस लोगों को हिट कर सकता हूँ उनकी हेल्प करना तो दूर की बात है फिर चंग जियाार उसे कहते हैं कि चलो फिर हम थोड़ी देर में ना पार्किंग प्लेस पर मिलते हैं और यह कहते हुए वहाँ से चली जाती है उसके जाने के बाद मोसी जियान लिया दान से कहता है कि लगता है ये लड़की आपसे फ़ाइट करना चाहती है इसलिए उसने आपको इस प्लेस पर बुलवाया अब चंगज जियार जब उस प्लेस पर पहुँचती है ना तब तक लिया दान भी अपने पूरे के पूरे गैंग के साथ वहाँ पहुँचा हुआ था हाँ जी क्या बहादुर है क्योंकि वो तो यही समझ कर यहाँ पर आया होता है कि चैंग उनसे फ़ाइट करने आई है फिर चैंग जब अपनी पॉकेट से जब कुछ निकालने लगती है ना तो उस वक्त तो लिया दंग जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है जैसे कि वो पॉकेट में से कोई बॉम्ब निकाल रही हो लेकिन चैंग ने तो अपनी पॉकेट में से ना बैच निकाल कर ही उसे दे दिया था वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ पर बुलाया था और वो तो उस बैच को नीचे फेंक कर उसे पाँव से कुचल देता है और वहाँ से चला जाता है चैंग तो बैच खराब होने पर रोना स्टार्ट कर देती है और फिर बाद में फिर वैन उसे रोते हुए देख लेता है वो उसके पास आकर उसे टिश्यू देता है और फिर उसे अपनी बातों से हंसाने में भी कामयाब हो ही गया था यहाँ पर चैंग उसे अपनी रोने का रीज़न बताती है कि उसे लड़कों ने बुली किया और साथ में उसके बैच को भी ख़राब कर दिया तो यहाँ पर वैन उसे बताता है कि बचपन में मुझे भी लड़के बुली करते थे और मैं भी तुम्हारी तरह रोने लगता था लेकिन फिर वो उसे कैंडी देकर कहता है कि फिर टीचर मुझे कैंडी दे दिया करते थे ये देखकर कर चैंग हंसने लग जाती है थोड़ी देर बातें करने के बाद वो वहाँ से जाने लगी थी और जब वहाँ से जा रही होती है तो तब जंप करने की ट्राई तो करती है और इसी दौरान ही किसी चीज से टकरा कर गिर जाती है तो वैन उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूं और वहां से भागने की करती उसे यूं भागता देख कर वैन तो स्माइली करने लगा था दूसरी तरफ हमें फिर फंग्स फैमिली की लेबॉट्री का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्ट्रेंजर आकर एक वर्कर को बेहोश कर देता है और उसका सारा डाटा निकाल कर वहाँ से जाने ही लगा था तो पकड़ा जाता है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग चंग अपनी मस्ती में स्कूल जा रही होती है तो उस वक्त एक गाड़ी उसके पास से गुजरती है और उसके कपड़ों पर गंदे पानी के छींटे ही पड़ जाते हैं तो चेंग उस गाड़ी वाले को खूब बुरा भला कहती है उस पर गंदगी फेंकने वाला साहब कोई और नहीं बल्कि फंग क्या से है फंग उससे सबके लिए सॉरी बोलता है लेकिन चंग से आर तो उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने उस बेचारे का यूनिफॉर्म जो खराब कर दिया था फिर फंग उसे अपना यूनिफॉर्म देता है कि ये पहन लो और जब वो यूनिफॉर्म लेने से मना करती है तो वो फिर यूनिफॉर्म उसे की तरफ फेंक कर वहाँ से चला जाता है इधर स्कूल में प्रेसिडेंट कुछ आदमियों को अपने स्कूल की बहुत तारीफ़ें कर रहे होते हैं और उन्हें स्कूल विजिट भी करवा रहे थे और ये भी कहते हैं कि हमारे स्कूल में तो कोई भी स्टूडेंट ऑकवर्ड ड्रेसिंग करता ही नहीं है तभी चैंगजी अजीब से सली में वहाँ पर आ जाती है ना जिसे देख कर मिस्टर प्रेसिडेंट तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेस फील करते हैं फिर उनसे कहने लगते हैं कि हमारे स्कूल में सारे स्टूडेंट्स प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं। और तभी पर ली यादा आ जाता है जिसने तो यूनिफॉर्म तक पहना ही नहीं होता तब तो सर और ज्यादा की और ज्यादा तारीफ करते गद्दे पानी के छीटे डालती ना, से चलती बनती है फिर हम शैन और फैंक को देखते हैं शेन तो दूरबीन लगाकर लड़कियों को ही देख रहा होता है तभी वहां पर चैंग को भी देख लेता है और फिर वो फंक से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे चैंगज यार को देखना चाहोगे तो फैंक पहले तो उससे मना कर देते हैं कि मैंने उसे देख क्या करना है जब शन उसे देखने ना तो वो फिर उससे दूरबीन लेकर खुद ही देखने लगा था तभी चेंग चंगजियार उन्हें कहती है कि तुम लोग आखिर यहाँ पर क्या देख रहे हो तो फिर उन्हें याद आता है कि ओनो आज तो उनका मैच है ना वो लोग फिर वहाँ से भाग जाते हैं फिर दोनों टीमें मैच के लिए पहुंच आई थी और फंग और ली यादांग तो बस एक दूसरे से यही कहते रहते हैं कि ये मैच मैं जीतूंगा और ये इस मैच सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम ही जीतेगी फाइनली फिर मैच स्टार्ट ही हो गया था चैंग तो बस मैच देखने की बजाय ना कप के पास से आती है और उसे चॉकलेट समझकर खाना स्टार्ट कर देती है वैसे तो अजीब बात ही ऐसे कौन करता है इधर फंक की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और उनका मैच तो इतना लंबा हो जाता है कि सब लोग यहीं पे बोर हो जाते हैं और फिर इन दी एंड फंक टी की टीम तो ये मैच जीत ही गई थी और सर जब कप उठाने जाते हैं तो वो देखते हैं कि कब तो खाया पड़ा होता है और साथ में चंग वहाँ पर सो रही थी और सभी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं चेंग सी आर को तो पता ही नहीं होता कि ये यह सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं और फिर यहाँ पर सर उसे बताते हैं कि क्या तुम्हें भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि तुमने एक कप को ही खा लिया फिर फंक सर से कहता है कि कोई बात नहीं हमें ये कप नहीं चाहिए इससे पहले कि इन लोगों के बीच कोई और भी बात होती वहन आकर चैंग को वहाँ लेकर जाने ही लगा था और सर चैंग से कहते हैं कि अब तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर ना पूरी क्लास को साफ ही करना पड़ेगा दूसरी तरफ हम मिसिज फंक को देखते हैं जो उस स्ट्रेंजर के पास आती है जिसने कि उनकी लेबॉरटरी से कुछ चोरी करने की कोशिश की थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्ट्रेंजर और फ्यूक कॉन्स्टिलेशन से ही बिलोंग करते हैं और उसका यहाँ आने का मिशन फिर सीन शिन ताई कोई डिस्ट्राई करना था, एक मशीन का ही नेम है यहाँ पर मिसेस फंग उसे एक, एक एक्सपेरिमेंट में ना उसे हेल्प करने को कहती हैं लेकिन वो तो साफ मना कर देता है फिर मिसेस फंग गुस्से में से चली जाती हैं उधर चैंग बेचारी कर करके थक जाती है फिर तभी वो बैच को निकाल कर देखने लगी थी अब वहां पर फैंक ट्य से भी पहुंच जाता है और फिर वो चंग के क्लॉज आकर उससे बात करने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र चंग के पास मौजूद बैच पर पट जाती है तो वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया तो चैंग उसे बताती है कि बचपन में किसने मेरी जान बचाई थी तो तब उसने मुझे ये दिया था तो फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा है अब फिर हमें पता चलता है कि असल में बचपन में फंग ने ही चैंग की हेल्प की थी और ये बैच भी उसी का ही था लेकिन यहाँ पर फंक टाँस से उसे कह देता है कि नहीं ये मेरा नहीं है फिर किसी की आवाज़ सुनकर वो दोनों ही टेबल के नीचे छुपने लगते हैं तो उस वक्त वो दोनों तो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं कि इन दोनों की तो यहाँ पर हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी अब फिर जिसकी आवाज़ से वो छुप कर बैठे थे ना वो एक छोटे से पपी की थी चैंग तो उस पपी को उठा लेती है अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि फंक्ट यहाँ से जो कि इतना बहादुर बना फिरता है ना इस छोटे से पपी से डर रहा है वो फिर उसे छेड़ने लगती है कि क्या तुम्हें इसे डर लग रहा है तो कहता है नहीं फिर वो उस पपी को छूने ही लगता है तो वो उसका यूनिफॉर्म ही खराब कर देता है फिर चेंग से यार, जब उसकी पॉकेट से रुमाल रुमाल उसका यूनिफॉर्म साफ करने लगती है 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 तो तो पता चलता है कि ये तो वही जो बचपन में उसने उस बच्चे को दिया था तो चैंग उससे पूछती है कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया तो फंग उसे कहता है कि तुम्हें इसे क्या तो फिर चंग उसे कहती है कि ये मेरा है और मुझे वापस करो तो फंग उसे वो रुमाल देने से मना कर देता है तो चैंग से उससे कहती है कि मुझे ये हर हाल में चाहिए तो फंग उसे कहता है कि ठीक है फिर आकर मुझसे ले लो और वो वहाँ से भाग गया था चैंग भी फिर उसके पीछे भागती है और यहाँ पर हाउ बेबी भी इन दोनों को ऐसे देख लेती है और वो फिर अपनी एक नोटबुक में ना चैंग जियार का नेम राइट करती है और ये कोई ऐसी वैसी नोटबुक नहीं थी बल्कि हाउ बेबी की बनाई हुई डेथ नोटबुक थी फिर बाद में हाउ बेबी की एक फ्रेंड शाओ आई आकर उसे बताती है कि मैंने अभी चैंग जिया और फंक को इकट्ठे में देखा था असल में हाउ बेबी ने ही उसे इन दोनों की जासूसी करने के लिए भेजा था शाव यहाँ पे उसे बताती है कि मैंने देखा था कि चैंग जब फैंक को पकड़ते हुए गिर गई थी ना तो फिर फेंग ने उसे उठाया था और तभी वो तो उसकी बाहों में भी झूल गई थी ये सुनकर तो हाउ बेबे को चैंग जियार पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उधर चैंग ने फंग से एक रुमाल छीन तो लिया था लेकिन ये कोई और रुमाल था तो अब ये देख उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है फिर रात को वो ना फैंग को फॉलो करती है फंग को तो ये पता चल जाता है और वो फिर उसे पकड़ ही लेता है यहाँ पर चैंग उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे रुमाल नहीं देना तो ना दो लेकिन ये तो बताओ कि ये आखिर तुम्हें मिला कहाँ से तो वो उसे झूठ बोल देता है कि मुझे शन ने दिया था फिर नेक्स्ट डे चैंग शन के पास आती है और उसे बैच देकर पूछती है कि क्या ये तुम्हारा है तो वो भी आगे से हाँ कह देता है और फिर जब वो चैंग से ठरकीपन करने की ट्राई करने लगता है तो वो फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है कि कैसा इंसान है ये फिर बाद में चैंग पर हाउ बेबे का गैंग अटैक कर देते हैं हाँ तो यहाँ पे इस बात पे ही गुस्सा थी कि तुम आजकल फंक के साथ क्यों टाइम स्पेंड कर रही हो तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है वो तो यहाँ पर एक नाइफ से ना उस पर अटैक ही कर देती है लेकिन उसे नुकसान पहुँचाने की बजाय साथ खड़ी गाड़ी को ही ख़राब कर देती है फिर यहाँ पर वैन आता है तो वो फिर वहाँ से चली जाती हैं और जिस गाड़ी को उन्होंने ख़राब किया था वो तो प्रेजिडेंट साहब के असिस्टेंट की थी वो तो अपनी गाड़ी के ख़राब होने पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दूसरी दफ़ा में दिखाया जाता है कि वैन चेंग जियार के साथ ही होता है तो उसे शॉप के ऑनर की यहाँ पे कॉल आ जाती है और वो उसे टाइम पर पिज़्ज़ा ना पहुँचाने पर यहाँ पे फाइट कर देते हैं तो वैन भी आगे से उन्हें ओके कह के ना कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता और फिर वो दोनों वही पिज़्ज़ा यहाँ पर मिल खाने लगते हैं अब चैंग उसे अपने साथ रेस्टोरेंट पर चलने को बोलती है उधर जिस लेडी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वो अपने उस ऑर्डर के कैंसिल होने पर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है ऊपर से चैंग के अंकल उसे सैड दे कहते हैं कि चलो मेरे रेस्टोरेंट पर मैं तुम्हें यमी से नूडल्स खिलाता हूँ तो वो भी उसके साथ जाने लगती हैं जब चेंग वैन के साथ रेस्टोरेंट पर आती है तो आगे से उसके अंकल और एक लेडी को साथ में नूडल्स खाते देख के ना वो तो यहाँ पर स्माइल करके उन्हें देखती है और वैन भी खुद को अंकल से इंट्रोड्यूस करवाता है फिर चेंग और अंकल उनके लिए खाना बनाने लगता अब यहाँ पर चेंग चैंगजी तो साथ साथ में अंकल को उस लेडी को लेकर छेड़ती भी रहती है कि क्या चल रहा है मुझे भी बताएं फिर बाहर आकर वो सब लोग खाना खाने लगते हैं दूसरी तरफ हमें फंग ध्यान से कोई दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपनी मॉम के साथ मिलकर खाना ही खा रहा था और यहाँ पर उसे अपनी मॉम से डांट भी पड़ रही होती है कि वो घर का खाना खाने की बजाय बाहर का अनफैशनेबल खाना क्यों खाता है अपनी मॉम की ये बातें सुनकर ना तो फ़ैंक तो उन्हें यही कहने लगता है कि बाकी सब चीज़ों की तरह अब आप मुझ पर बाहर का खाना खाने पर भी पाबंदी लगा रही हैं फंग के पास हर चीज़ की फरमी थी सिवाय फ्रीडम के और इस बात पर फंग बेचारा काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसकी मॉम उसे कहती हैं कि तुम्हारे स्कूल में अब जो कंपटीशन होने वाले हैं उसे तुमने ज़रूर विन करना है और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी फिर वहाँ पर एक मिस्टर फू की एंट्री होती है तो मिसिज़ फंग उसे कोई एक्सपेरिमेंट करने का ऑर्डर देती हैं फिर नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में चेंग जियार की एक लड़की से टक्कर हो जाती है और जब वो उसकी चीज़ें उठाने में उसकी हेल्प करने लगती है तो उसे वहाँ पर एक फॉर्म मिलता है तो वो लड़की उसे बताती है कि ये स्कूल की तरफ से उन स्टूडेंट्स के लिए जारी किया गया है जो कि गरीब है अब ये सुनकर ना यहाँ पे चेंग उसे यही कहने लगती है कि मैं भी गरीब ही हूँ तो वो फिर फ़ौरन से उसे फॉर्म फिल करने को दे देती है अब ये लड़की फिर जब वहाँ से जाने लगती है तो चैंग से यार उसे रोक कर थैंक से कहने लगी थी और फिर हम देखते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शाओ थी और ये फॉर्म भी पोअर स्टूडेंट्स के लिए नहीं था बल्कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला था फिर चैंग बैन से मिलती है और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं वो दोनों मिलकर घर जाने ही लगते हैं तभी चैंग को एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको स्कूल के एनुअल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया फिर बैन उसे बताता है कि ये कंपटीशन साल में एक दफ़ा करवाया जाता है और साथ में उसे ये भी बताने लगा था कि ये काफ़ी डेंजरस भी होता है और जंग उसे कहती है कि मैंने तो कंपटीशन के लिए कोई अप्लाई ही नहीं किया और फिर अचानक उसे याद आता है कि कहीं जो फॉर्म उसने फिल किया था वो उसी कम्पिटिशन के लिए ही तो नहीं था और जब वो वैन से कहती है कि मैं प्रेसिडेंट से कहकर अपना नेम ना उस कम्पटिशन से हटवा दूँगी तो वैन उसे कहता है कि ये तो नामुमकिन वाली बात ही है और फिर यहाँ पर वो उसे तसली देता है कि कोई बात नहीं मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना फिर चैंग वहाँ से चली जाती है नेक्स्ट डे चैंग जियार उस प्लेस पर आती है जहाँ पे अब कंपटीशन होने वाला था और उसे यहाँ पर पता चलता है कि इस कंपटीशन में तो बेबे और जू डोंग ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था फिर चैंग उन्हें कहती है कि मैंने सुना है कि ये डेंजरस होता है तो बेबे कहती है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा स्वीर सा बॉयफ्रेंड है ना अब फिर ऊपर से वैन भी आ जाता है और वैन ने चैंग के लिए इस कंपटीशन में फिर पार्टिसिपेट ही कर लिया था इस कंपटीशन में फंग के साथ साथ लिया दांग ने भी अपने पूरे गैंग के साथ ही पार्टिसिपेट किया हुआ था और फिर असिस्टेंट आकर जब उस कंपटीशन में ना पार्टिसिपेट करने वाले कंटेस्टेंट्स का नेम मेंशन करने लगते हैं ना तो तभी हर साल की तरह इस साल भी उन्हें पास खड़ी एक लाइट बहुत तंग करती है फिर आखिरकार वो पहले कंटेस्टेंट का नेम मैंशन कर देते हैं जो कि हमारा क्यूट सा हीरो फंग फंक्तियांजे ही होता है फंग होते तो यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर का यूज करके ही असिस्टेंट के पास आता है फिर लिया दंग की वार आती है फिर शहनाओं की और एक एक करके तकरीबन सारे ही कंटेस्टेंट ही इकट्ठे हो जाते हैं चेंग तो यहाँ पर विश मांगने लगती है कि मुझे इस कंपटीशन में ना जाना पड़े तभी कंटेस्टेंट लिस्ट में चैंग जियार का नेम भी आ जाता है फिर तभी सब लोग उसे ही देखने लगते हैं चैंग ने भी बाकी सबकी तरह गायब होकर वहाँ से जाने की ट्राई की तो थी लेकिन नहीं कर पाती तो सर उसे कहते हैं कि तुम ऐसे ही चल के आ जाओ तुम्हें सुपर पावर यूज़ करने की क्या जरूरत है फिर जब वो वहाँ पर आती है ना तो उस वक्त फंक टेन से उसे देख स्माइल करने लगता है इसके बाद शीचैन और वैन को ही बुलाया जाता है फैंग तो यहाँ पे है वैन को चैंग के पास देख ना काफ़ी ज़्यादा जेलज फील करता है जब सर उन्हें इस कंपटीशन को लेकर भाषण देने लगते हैं तो उस वक्त सारे स्टूडेंट्स तो वहाँ से जाने की करते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाउ बेबी के हाथों शाओ की शाम आई होती है कि तुमने चैंग को उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला आखिर फॉर्म क्यों फिल करवाया था और बाकी गर्ल्स के हाथों वो उसकी खूब सारी यहाँ पर दुर्गत बनाती हैं फिर बाद में शैन फंग से पूछता है कि क्या तुम चैंग को लाइक करने लगे हो ये सुनकर तो यहाँ पर फंग के मुँह से पानी गिर जाता है और फिर वो शैन से कहता भी है कि मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ तो फिर शैन उसे कहने लगता है कि तुमने उसे बचपन में बचाया भी था और अब उसके सामने तुमने मुझे ही मेंशन किया है कि तब मैंने उसे बचाया था अब वो फिर चेंग को लेकर खूब सारा छेड़ता भी है साथ में उसे ये भी बताता है कि वो इस वक्त लाइब्रेरी में जाओ उससे बात वगैरह करो लेकिन फंग तो उस वक्त यूँ रिएक्ट करता है कि जैसे उसे चंग जी में ना कोई इंटरेस्ट ही ना हो उधर लाइब्रेरी में हमारी क्यूट सी चेंग ना सुपर पावर को हासिल करने वाली बुक्स कुछ इस तरह से पढ़ रही होती है तो फिर उस वक्त उसे वैन से डांट भी पड़ जाती है और वो उसे सही से बुक्स वग़ैरह को रीड आउट करने को ही बोलने लगा था यहाँ पर चेंग वैन से कहती है कि मुझे तो लगता है कि मुझ में कोई सुपर पावर स्किल्स हैं ही नहीं बल्कि मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ तो इस बात पर वैन उसे समझाता है और साथ ही साथ हार्डवर्क करने को भी कहने लगा था चैंग अब उसे कहती है कि ठीक है मैं प्रैक्टिस करूंगी और वो फिर यहाँ पर वैन के कहने पे ना अपने माइंड को यूज करते हुए एक चेयर को ना यहाँ पे मूव करने की ट्राई करने लगती है लेकिन वो चेयर तो हिलने का नाम ही नहीं लेती ये देखकर ना यहाँ पर चैंग फिर से अपनी हिम्मत खो देती है वैन फिर यहाँ पे उसे हिम्मत दिलाता है और उसे फिर से ट्राई करने को कहता है अब की बार चैंग जियार क्यूट सी हरकतें करके ना उस चेयर को हिलाने की ट्राई करने लगती है तो वाकई में वो चेयर मूव करने लगती है इसमें वो चेयर चैंग के मैजिक से नहीं बल्कि एक आदमी के घुमाने से ही मूव करने लगी थी इस बात से चेंग जीड तो और ज़्यादा सैड हो जाती है और फिर यहाँ पर वैन चेंग को अपने हैंड पर हैंड रखने को कहता है और ये फिर उसे सुपर पावर का ही बताने लगा था और ये सब फंक भी देख रहा होता है वो तो आया तो चेंग से मिलने ही था लेकिन अब उन दोनों को इकट्ठे में देख फिर वहाँ से चला ही जाता है फिर वो उसे अपनी सुपर पावर्स दिखाता है जिसकी वजह से वो एक बॉटल को हिलाने में कामयाब हो जाता है चैंग तो उसके सुपर पावर से काफ़ी इंप्रेस होती है और उसे कहती है कि फंग फंक्टियांजे का साइन भी तो ली है ना तो उसके पास भी ऐसी ही सुपर पावर होगी तो वैन उससे कहता है कि मे भी क्योंकि किसी ने भी स्कूल में उसे सुपर पावर्स का यूज़ करते हुए नहीं देखा जब वो अपनी पॉकेट से हारमोनी निकालता है तो चैंग फॉरन से इससे वो लेकर बजाना स्टार्ट कर देती है और इतनी बुरी बजाती है कि वैन उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ ही दो और जाकर प्रैक्टिस करो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सर जब क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं तब चंग जी क्लास में सोई पड़ी होती है तो फिर बेबी उसे जगाती है और तब तो उसे सर से डांट भी पड़ जाती है और पनिशमेंट के तौर पर अब उसकी तरफ ना चौक फेंकते हैं वो फिर तब अपनी सुपर पावर यूज़ करके उस चौक को मूव करने लगती है मेरी तरह आप लोग भी यही समझ रहे होंगे कि चलो अब तो चैंग जी के पास भी सुपर पावर आ ही गई लेकिन ये तो चैंग जी का बस एक ड्रीम ही था रियल में जब सर चैंग की तरफ यहाँ पे चौक फेंकते हैं तो वो उसे रोकने की ट्राई करती है लेकिन फिर

चैंग को ये भी पता चलता है कि सारी क्लास के पास ही तकरीबन सुपर पावर्स बचपन से ही हैं फिर सारी पूरी क्लास को चुप रहने को बोलते हैं यहाँ पर शैन फेंग से कहता है कि चैंग कितनी ज़्यादा फनी लड़की है ना तो उसके इस बात पर फेंग भी स्माइल ही करने लगा था फिर बाद में शैन फेंग से कहता है कि तुम अब चैक को बता दो कि उस दिन फैंक तुम्हारी जान बचाई थी लेकिन वो तो अभी भी उसे बताने के हक में नहीं होता फिर वहाँ पर चैंग जियार भी आ जाती है फेंग तो वहाँ से चला गया था फिर शैन चैंग से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो तो चैंग उसे कहती है नहीं नहीं मैं तो फंक्टियाजे से मिलने के लिए आई थी फिर वो फंक के पास आती है और वो उसका यूनिफॉर्म वापस करते हुए थैंक्स भी कहने लगी थी लेकिन फंक्टियाजों से कहता है कि अगर मेरी चीज़ों को कोई और टच कर लेना वो तो फिर मैं दोबारा यूज़ करता ही नहीं हूँ तो चैंग जियार भी कहती है कि अच्छा तो ये बात है वो फिर उसके यूनिफॉर्म को ना फिर यहाँ पर टच कर देती है कि यही कहने लगी थी कि अब तो इसे मैंने टच किया है तो वो शर्ट ही उतार देता है तो उसकी शर्ट पर फिर यहाँ पर पावर पफ गर्ल्स को देख ना चैंग जियार तो स्माइल करने लगती है वो फिर उसके और क्लोज होकर उसके शर्ट को फिर से टच करती है वो जब शर्ट उतारने लगता है तो फिर चैंग दूसरी तरफ फिर फेस कर लेती है लेकिन फंग ने तो उस शर्ट के नीचे भी एक पावर पफ गर्ल्स वाली शर्ट पहनी होती है अभी वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन कुछ याद आने पर वो फिर से वापस आ जाती है और उससे पूछती है कि कहीं तुम भी तो मेरी तरह नहीं हो क्या तुम्हें भी सुपर पावर यूज़ करने नहीं आता फंक तो इस वक्त एक बॉल नीचे फेंक कर उसे अपनी सुपर पावर दिखाता है नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली यादांग की किसी दूसरे गैंग के साथ फ़ाइट हो जाती है और फिर बाद में जब उसकी शैन के साथ टक्कर होती है तो ऊपर से टीचर आकर उन्हें फाइट करने से रोकती है कि अगर वो फाइट करेंगे तो उन्हें इस कंपटीशन से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा दूसरी तरफ मिसिस फंग फिर से उस स्ट्रेंजर के पास आती हैं और एक एक्सपेरिमेंट के सिलसिले में उसे हेल्प करने को बोलती हैं तो वो भी एक शर्त पर ही उनकी हेल्प करने को मानते हैं और वो होती है कि मेरे इस रूम को चेंज करके ना किसी भी विंडो वाले रूम में ही ट्रांसफ़र किया जाए तो मिसेस फंग भी उसकी ये शर्त एक्सेप्ट कर लेती हैं फिर मिसेस फंग जब घर पर आती हैं ना तो वहाँ पर वो फिर फंग त्याजे से कंपटीशन को ही ले कर ना बात करने लगी थी और यही पूछती हैं कि तुम्हारी प्रिप्रेशन कैसे जा रही हैं और साथ में से ये भी कहते हैं कि तुम्हें हर हाल में ना ये कम्पटिशन जीतना भी है तो यहाँ पर फंग त्याज़े भी उन्हें कहता है कि मैं ज़रूर जीतने की ट्राई करूँगा दूसरी तरफ चैंगजियार लाइब्रेरी में फिर से एक कप को मूव करने की ट्राई कर रही होती है और वहाँ पर मौजूद एक कप को गायब कर देती है तो ये देख वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी लेकिन वैन उसे समझाता है कि ये सब इसलिए हुआ है कि ना किसी भी दो की होती फोर्स एक नेगेटिव किस्म की और एक पॉजिटिव किस्म की और वो फिर उसे कहता है कि तुम ना नेगेटिव किस्म की फोर्स को यूज ना करना बल्कि पॉजिटिव किस्म की फोर्स को यूज करना और साथ में उसे ये भी कहने लगा था कि अगर यहाँ पर कब की बजाय कोई आदमी होता तो क्या होता चेंग उसकी बातों को बहुत अच्छे से समझ जाती है फिर वैन तो वहां से जाने लगा था लेकिन चेंग चैंगजियार का भी जाने का कोई इरादा नहीं होता फिर बाद में वैन को लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है तो वो फिर उसे बाहर आने को कह देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैन को फॉलो करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जैन का ही डैड था चैंग जियार के डैड ने ही वैन की बचपन से लेकर अब तक केयर की थी और वैन ही फेंग फैमिली का इकलौता वाइस होता है मैंने उस कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट किया था ताकि वो फेंग से रिवेंज ले सके लेकिन ये भी सच था कि वो चेंग जियार को भी लाइक करता है और उसकी वजह से भी उसने ये कदम उठाया था नेक्स्ट मॉर्निंग जब वैन चेंग से मिलने उसके अपार्टमेंट में आता है तो शावतो से वहाँ से जाने को कह देती है ऊपर से बेबी भी आकर उसे वहां से भगाने ही लगी थी फिर वो वैन के पूछने पर उसे बताती है कि चेंग जियार अभी बिजी होने की वजह से से नहीं मिल सकती है फिर बेबी क्लास में आकर चेंग जी से यही कहने लगी थी कि वैन अब यहाँ से चला गया तुम बाहर आ सकती हो बेबी उसे कहती है कि अगर तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हो तो तुम वैन को बता दो लेकिन चेंग चैंगजियार अभी वैन से इस बार में बात करने में ना हेजिटेशन ही फील कर रही थी यहाँ पर बेबी उसे यह भी बताती है कि मैंने वैन को थोड़ा सा टच किया था तो मुझे फील हुआ कि उसकी ना डेस्टनी तो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है फिर बेबी जब वहाँ से चली जाती है तो चेंग जी स्कूल की एक वॉलेट लिस्ट निकाल कर देखने लगती है जिसमें यह भी राइट किया हुआ था कि किन स्टूडेंट्स को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं मिल सकती है फिर वो फर्स्ट मेथड यूज़ करने की ट्राई करने लगती है और वो फिर हाउ बेबी को खुद से फाइट करने की कहती है फिर हम देखते हैं कि बेचारी चैंगजियार को तो उसे ये चैलेंज करना महंगा पड़ गया था उसे हाउ बेबी के गैंग से खूब मार पड़ती है और टीचर भी ऊपर से आकर उसे डिसकॉलीफाई करने की बजाय बाकी गर्ल्स को ही डिसकवालीफाई कर देती हैं चैंग तो टीचर से कहती भी है कि ये मेरी गलती थी बट वो कहाँ अब उसकी सुनने वाली होती हैं फिर नेक्स्ट वो नीड करती है कि जब कंटेस्टेंट इल होगा वो भी फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा अब यहाँ पर ये अपनी इमेजिनेशन में ही ना ख़ुद का बहुत बुरा एक्सीडेंट होते देखती है अब वो फिर अपने ही आइडिया को गिवअप कर देती है कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा फिर वो लिस्ट में से और भी देखती है कि जो कोई ऑफिस में से पेपर्स वगैरह चुराता हुआ पकड़ा जाएगा ना उसे भी डिसक्वालीफाई ही किया जाना है अब ये फिर वो रात को ऑफिस से कुछ चुराने के लिए जाने लगती है और वहाँ पर तो पहले ही कुछ स्टूडेंट्स पे इसको चुराने के लिए पहुंचे होते हैं और जब तक चैंग उनके पास पहुंचती है तभी वो तीनों पकड़े जाते हैं अब यहां पे मजे की बात ये कि उन दोनों को तो डिस्कालीफाई कर दिया जाता है जबकि चैंग को नहीं किया जाता अब जब बाद में फिर ये अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि रात को तो चैंग ने दो दो चोर स्टूडेंट्स को पकड़ा था तो ये सुनकर तो पूरी क्लास ही चैंग को सरप्राइजिंग कंडीशन में ही देखने लगती है बेचारी चैंग के पास तो अब फिर लिस्ट में से एक यही हल रह गया था कि वो सोसाइटी में कुछ गलत करेगी अब फिर वो फिर से ही डिसकवालीफाई किया जाएगा फिर को वो अपने ही रेस्टोरेंट को तोड़ने की ट्राई करने लगती है ऊपर से वैन आ जाता है और जब वो देखता है कि ये तो खुद को कंपटीशन से डिसकॉलीफाई करने की ट्राई कर रही है फिर वो उससे पूछते हैं कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम अपने ही रेस्टोरेंट को क्यों तोड़ने जा रही थी फिर हमारी मासूम सी चेंग उसे यही कहती है क्योंकि मैं बाकी लोगों को उनके नुकसान की कीमत जो अदा नहीं कर सकती हूँ ये सुनकर तो वैन यहाँ पे हंसने ही लगा था अब फिर वो चैंग उसे कहती है कि मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है मैं भला कैसे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ यहाँ पर वह उसे तसली देता है कि तुम परेशान ना हो मैं कंपटीशन में तुम्हारे साथ ही रहूँगा और फिर वो दोनों ही कंपटीशन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं मैं उसे लाइक भी करता था लेकिन उसे बता भी नहीं पा रहा था फिर हम देखते हैं कि शैन फेंग को लेकर परेशान होता है कि ये आखिर अपनी सुपर पावर का यूज़ नहीं करता है तो ये कैसे कंपटीशन में परफॉर्म कर पाएगा फंक्टिहां से तो उसे अपने लिए परेशान ना होने का कहता है फिर बाब ने फंक्टियां से और चेंग की मुलाकात हो जाती है अब यहाँ पर चैंगज यार उसे कहती है कि तुमने फिर वही यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है जो मै तमें लौटाने के लिए गई थी और उसे इस यूनिफॉर्म की पहचान उस पर लगाए बटन से हुई थी जो कि टूट भी किया था फिर चेंग ने उसे फिक्स कर दिया था वो एक दफ़ा फिर से टूट जाता है और इस छोटी मोटी इन दोनों की लड़ाई के बीच वो दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज से आ गए थे फिर बाद में फंकते से चैंग से कहता है कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करो अब फिर चैंग जिहार उसे कहती है कि मैं भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ वैन मेरे साथ है यहाँ पर फंक तो वैन का नाम से ही चिड़ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कल कम्पटिशन में ना आना लेकिन अब तो चैंग जियार भी चिड़ कर उसे कहती है कि अब तो मैं कल ज़रूर कम्पटिशन में आऊँगी और अब मुझे, मुझे मौका मिला तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही हर अब ये सब कहती हुई वो फंग को गुस्से से वेजिटेबल वगैरह मारती हुई चली जाती है और उसे वैन के पास ही आ गई थी और उसे कहती है कि अब तो मैं सुपर पावर हासिल करने की प्रैक्टिस करूंगी और कल कंपटीशन में ज़रूर जाऊंगी और फिर वो वैन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने के लिए मेथड्स हैं तो वो भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल है अब फिर हमें नेक्स्ट सीन में यही दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट राउंड के लिए एक प्लेस पर ही जा रहे थे यहाँ पर वैन चंगजेहार से पूछता है कि तुम कौन कौन सी चीजें उठाकर लाई हो कंपटीशन में लेकर जाने के लिए तो चेंग उसे बहुत सी चीजों के नेम बता देती है मुसी जान भी उन्हें देख रहा था और वो ली यादांग से कहता है कि देखो ये तो पूरे घर का सामान ही उठा कर ले आई यहाँ पर फैंग जब चेंग को वैन के पास बैठा देखता है तो काफी ज्यादा जेलिज फील करता है और उसके साथ बैठी हाउ बेबी तो उसे लीजर्ड की तरह ही चिपकी बैठी होती है फंग तो हाउ बेबी की इन तो से बहुत ज़्यादा इरीटेट होता है यहाँ पर एक स्टूडेंट उन सबसे यही कहने लगा था कि तुम सब लोग खामोश क्यों कोई गाना वगैरह गाओ कुछ माहौल बनाओ तो उस वक्त टीचर उन्हें बताती हैं कि हम लोग तो पहुँच गए चैंग यार ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है कि इतनी जल्दी फिर वो सब लोग एक होल में से गुजर कर अपने वे में ही जाने लगते हैं यहाँ पर वैन चेंग को तसली देता है कि तुम परेशान ना होना मैं तुम्हारे साथ ही होंगी लेकिन होल में से गुजर कर तो सबकी डायरेक्शन ही डिफरेंट हो जाती है यहाँ पर सर यही अनाउंस करते हैं कि सबकी फिर बैक साइड पर ना बैजेस लगा दिए गए और एक लेटर के थ्रू उन्हें टारगेट दिया जाता है कि इस लेटर पर लिखे हुए जोड़ी एक साइन वाले बैजेस को उन्होंने हासिल करना है फिर ये सब लोग अपने टारगेट को ढूंढने पड़ते हैं दूसरी तरफ सारे टीचर्स फिर एक टीचर से कह कर ना कैमरा ऑन करवाते हैं क्योंकि वो अपनी सुपर पावर का यूज़ करके ही हमेशा की तरह उन्हें ऑन किया करती थी उधर शैन और फैंक की मुलाकात तो जाती है और फैंक का टारगेट वर्गो था जो कि चैंग जियार का साइन था जबकि शैन का टारगेट लियो होता है लेकिन वो फंक से उसका साइन बैच नहीं लेता फिर थोड़ी देर बाद फंक पर फिर एक गैंग पूरा अटैक कर देता है फैंक भी उनके अच्छे से धुलाई करता है और उन्हें अच्छा सबक सिखा भी देता है यहाँ पर तो उसे चलो वर्गो साइन वाला बैच तो मिल ही जाता है चलो फैंक ंग का तो टारगेट कंप्लीट हुआ अब उसे टॉप रूफ पर ही जाना था तभी वो कंप्लीटली इस राउंड को विन कर सकता था रास्ते में उसके हाथों वैन लग जाता है और वो वैन से अभी कुछ कहने ही वाला होता है तो ऊपर से चेंग जियार भी पहुंच जाती है यहाँ पर फैन को जब पता चलता है कि ये तो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए जी पी एस वॉचेस का यूज़ कर रहे हैं वो तो जल्द के मारे ना वैन के वॉच तोड़ देता है ये देख कर तो फिर जियार उसे खूब बुरा भला कहती है और फिर वैन को लेकर वहाँ से जाने की करती है वो दोनों एक रूम में ही पहुँच आए थे और यहाँ पर तो शैन साहब भी पहुंचे होते हैं और शैन तो वैन से लियो साइन वाला मैच लेने ही लगता है तो चैंग उसे पकड़ लेती है और वैन को वहाँ से भागने का कह देती है वैन उसे अपनी पावर से खुद से हटा कर वहाँ से जाने की करता है दूसरी तरफ लिया दान को लिब्रा की तलाश होती है तो वो रास्ते में ही एक लड़के को पकड़ लेता है जिसका साइन लिब्रा होता है और वह दोनों ही पावर्स का यूज़ करके वहीं पर ही स्लो होकर खड़े हो जाते हैं और इधर यशन को वैन तो नहीं मिलता लेकिन उसे एक और लड़का मिल जाता है जिसका कि साइन भी लियो ही होता है और फिर हम देखते हैं कि हाउ बेबे का भी साइन हासिल करने वाला टारगेट कंप्लीट हो ही गया था और इधर ये चेंग भी छुपी बैठी होती है और फिर हम देखते हैं कि ज़ूडोंग और बेबे भी अपना साइन हासिल कर लेते हैं और जब वो रूफ़ टॉप पर जाने लगते हैं तो रास्ते में वो लिया दान को भी देख लेते हैं और फिर रूफ़ टॉप पर आकर दोनों तो फिर अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो ही चुके थे शैन को भी उसका मैच मिल ही चुका होता है हलिया दांग भी लिब्रा वाला साइन लेकर वहाँ से जाने की करता है और जब वो रूफ़ टॉप पर पहुँचता है तो वहाँ पर जूडोंग और बेबे को भी देखता है और वो भी अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुका था दूसरी तरफ मिसिस फंग को से गुड न्यूज़ मिलती है कि उनका एक्सपेरिमेंट बहुत जल्द कम्प्लीट होने वाला है लेकिन फ़िलहाल हमें उस एक्सपेरिमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया उधर मुझी जियान के साथ साथ शैन भी नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुका था और यहाँ पर अभी तक वैन चैंग और फंग पहुँचे ही नहीं होते उधर चैंग वैन को ज़ख्मी हालत में देखकर परेशान हो जाती है और फिर उसे पता चलता है कि ये तो वैन है ही नहीं बल्कि शाओ है क्योंकि वैन की तो वॉच टूट गई थी और इस वक्त शाओ ने उसकी गेटअप में वॉच पहनी होती है चैंग तो यहाँ पर उसे बांध देती है और यहाँ पर तो चैंग तो एक ट्रिक का कर यूज़ करके शाओ को नीचे ही गिरा देती है अब उसे भी मैच मिल जाता है और जब वो रूफ टॉप पर जाने लगती है तो तब कुछ स्टूडेंट उसे किडनैप कर लेते हैं और ये अब उससे रिवेंज लेना चाहते थे क्योंकि इसकी वजह से उनके गैंग के स्टूडेंट्स पेपर्स चुराते पकड़े गए थे और उन्हें फिर डिसक्वालीफाई कर दिया गया उधर टीचर्स अपनी मस्ती में ही गुम होते और वो उन्हें देख भी नहीं पाते और इधर वो गुंडे चैंग से बदतमीजी करने लगते हैं तो ऊपर से फंग वहाँ पर आ जाता है वो ये गुंडे को तो फंग से मुक्का भी लग जाता है और बाकी तो वैसे ही फिर भाग ही गए थे फंग और चैंग भी वहाँ से फिर जाने ही लगते हैं और इधर सब उन्हीं का ही वेट कर रहे थे तभी वो दोनों पहुँच जाते हैं फिर भी वहाँ पर पहुंच जाया था फिर बाद में चैंग फेंग के पास आती है और वो उसे थैंक्स से कहने लगी थी क्योंकि उसने उसकी जान जो बचाई थी और यहाँ पर उन दोनों की फिर से हमेशा की तरह छोटी छोटी बात पर ना फाइट भी हो जाती है तभी वहाँ पर कुछ लोग चैंग पर अटैक कर देते हैं अब बदले में फेंक भी फिर उनसे फाइट ही करने लगा था फिर वो चैंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है तभी वो एक साइड पर गिर जाता है और उसकी फिंगर्स भी मुड़ गई होती हैं चैंग तो ये देख कर हंसने लगती है लेकिन फिर जल्दी से वो गाड़ी में बैठने लगते हैं फैंग अपनी फिंगर्स मुड़ने से गाड़ी नहीं चला पा रहा होता तो फिर चैंग से सीट एक्सचेंज करता है लेकिन फिर चैंग उसे कहती है कि मैं तो गाड़ी चला ही नहीं सकती बेचारे फ़ैंक को फिर से सीट एक्सचेंज करनी पड़ती है और फिर जब वो उन गुंडों को आता देखते हैं तो वो दोनों फिर मिलकर गाड़ी चलाने लगते हैं और वहाँ से जाने की करते हैं फंग जब घर आता है तो उसकी मोम उसे एक गेस्ट से इंट्रोड्यूस तो करवाती है और फिर यहाँ पर फंग अपनी मोम को अपना हैंड दिखाता है जिसकी फिंगर्स मुड़ी हुई थी ये देखकर तो उसकी मोम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती हैं फिर फंक वहाँ से चला गया था बाद में मिसिज फंग फू को भुलवाती और उससे पूछती है कि फिंगर्स मुड़ने का आखिर रीज़न क्या होता है तो यहां पर फू ने इन्फॉर्म कि ऐसा तो सिर्फ अफ्यूकस अफ्य कर सकते हैं फिर फंग फू से कहती हैं कि चलो वो फिर मिस्टर लिंक के साथ मिलकर ना इन्वेस्टिगेशन करवाए कि आखिर फंग किसके साथ था जब अफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन के लोगों ने उस पर अटैक किया था फिर वो फंग के रूम में आती है और वो आते ही फंग को ऑर्डर कर देती हैं कि कल तुम स्कूल नहीं जाओगे और ये सब उसकी सेफ्टी के लिए ही था इवन के वो तो उसे एक वीक तक स्कूल ना जाने के लिए कह देती है फंग कहता भी है कि सेफ हूँ लेकिन उसकी मोम तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली थी चैंग फेंग के स्कूल ना आने पर सैड तो बहुत ही और फिर वो शैन से फेवर मांगती है कि वो उसे फंग से मिलवाने उसके घर ही लेकर जाए शहनाओ के लिए ये काफी मुश्किल तो था लेकिन वो फिर भी उसे ले जाने के लिए मान जाता है अब वो उसकी ड्रेसिंग वगैरह करने में उसकी हेल्प भी कर देता है फिर जब वो चैंग को फंग के घर में लेकर आता है तो वो आंटी से यही कहने लगा था कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है वो दोनों ही अब फिर फंग से मिलने के लिए उसके रूम में ही जाने लगते हैं अब यहाँ पर चेंग इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है कि ये देख कर फंक स्माइली करने लगता है और साथ ही साथ यहाँ पे उस पर कॉम्प्लीमेंट देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता अब इधर मौका का फायदा उठा के ना शैन भी चेंग को फंग की तरफ धकेल देता है और खुद उनका रूम बंद करके वहाँ से चला गया था रूम में जब चेंग फंग का हैंड देख रही होती है तभी ऊपर से फंग की मॉम उसके लिए सूप लेकर आती है तो फिर चेंग फ़ौरन से फंग की हैंड्स को ऊपर कर देती है जैसे कि वो उसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह कर रही हो फिर एक दफ़ा तो मॉम वहाँ से

अब बाद में चेंग फंग को वाशरूम जाने में उसकी हेल्प करने लगती है तब तो वो दोनों एक दफ़ा फिर से एक दूसरे के क्लोज से आ जाते हैं और फिसल के एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे और मॉम फिर से उन दोनों को क्लोज देख लेती हैं और वहाँ से चली ही गई थी फिर वो शैन के पास आती हैं और उसे कहती हैं कि अगर फ्यूचर में मेरे बेटे से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना शैन को तो समझ लग जाती है कि आंटी ऐसा क्यों कह रही हैं फिर लियांग मिसिज फंग के पास आता है तो तब शैन भी चेंग को वहाँ से लेकर चला ही गया था तब लियांग मिसिज फंग को बताता है जब फंग पर अटैक हुआ था तब यही लड़की उसके साथ थी और वो उसे चंग के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वगैरह भी दे देता है, कि ये एक फैमिली से करती है और ये भी बताता है कि ये आजकल फंग के साथ ना बहुत ज्यादा फिरती है मिसिस फंग को पता चल जाता है कि फिर तो ये शन की गर्लफ्रेंड नहीं है और साथ में वो ये भी कहती हैं कि ये एक पोअर फैमिली से बिलोंग करती है तो इसलिए इसका और फंक का कोई मैच है ही नहीं और असल में वो हाउ बेबी की फंग के साथ शादी करवाना चाहती थी फिर वो फंग के पास आती हैं और उसे चैंग से दूर रहने को कहने लगी थी हमारे मासूम से फिर फंग के पास तो फ्रेंड्स बनाने की भी राइट्स नहीं होते इस बात से वो बेचारा तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहा करता है फिर बाद में चेंग और शैन अपने स्कूल में होने वाली बारबी क्यू पार्टी के बारे में ही डिस्कशन करने लगते हैं चेंग तो इस बात से सैड होती है कि फंक भी पार्टी में आएगा या नहीं फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फंक उस पार्टी में आया होता है अब यहीं पर हम बेबे और जो डोंग को भी देखते हैं जो कि दोनों ही मिलकर फायर वर्क से जलाने लगे थे ये देखकर तो यहाँ पे हॉबी फंग से फायर वर्क जलाने की बात करती है तो फंग कहता है कि फायर वर्क तो नहीं है बॉम्ब है अगर कहो तो वो जला दूँ। ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है फिर बाद में हाउ बेबी बार बार फेंग के क्लोज आने की ट्राई कर रही होती है तो तब चेंग उन्हें क्लोज देख कर ना बहुत चैलेंज फील करती है मीन के उसके दिल में भी फेंग को लेके फीलिंग्स डिवेलप हो ही चुकी हैं फिर हाउ बेबी उठ कर सबको अनाउंस करती है कि फेंग और मैं बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं ये सुनकर तो चेंग के सर पर बॉम्ब भी गिरता है और वो सैड होकर वहाँ से जाने लगती है उसके पीछे पीछे वैन भी फिर जाता है यहाँ पर चेंग जब रो रही होती है तो वैन उसके पास जाकर उसे तसली देता है और उसे हक भी कर लेता है तब फंग भी ऊपर से आकर उन दोनों को ऐसे देख लेता है, और फिर वहाँ से चला ही गया था वो दोनों वापस आ जाते हैं फिर प्रेसिडेंट सबको ये अनाउंस करते हैं कि पार्टी तो ओवर हो गई है अब सब जाकर रेस्ट करें फिर सब स्टूडेंट्स एक रूम में आते यहाँ पर सबके लिए बेड्स वगैरह लगा दिए गए थे सब लोग लाइट ऑफ करके सोने लगते हैं तो उस वक्त ली यादांग लाइट ऑन करके सबको जगा देता है और सबके बिस्तर पर जाकर कुछ ढूंढने लगता है और तभी वो देखता है कि हाउ मैडम तो फंख के बिस्तर में छुपी पड़ी है फंक ध्यान से तो उसे डांट कर अपने बिस्तर से निकलने को कहता है यहाँ पर ली यादांग तो अपनी बातों से सबके दिमाग का दही दे बना देता है कि अभी यहाँ पर मूवीज़ की तरह कुछ एडवेंचर होने वाला है अब तभी बेबे अरजू डोंग तो अपने ही लव में मगन बैठे होते हैं उन्हें देख तो चैंग खुद झुरझरी आ जाती है कि ये क्या क्या देखना पड़ रहा है और थोड़ी देर बाद सब देखते हैं कि बाहर आग लग चुकी है ये देख बहुत सारे लोग डर जाते हैं चैंग ने तो यहाँ से चीखना ही स्टार्ट कर दिया था तब ये वहाँ पर आ जाते हैं और उन सबको बताते हैं कि ये उनका एक टेस्ट था कि जब आप लोग डेंजर में हो तो तब आप सीखना स्टार्ट करते हैं या नहीं बिल्कुल चंग की तरह वो फिर उन्हें अगले कंपटीशन के बारे में बताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं लेकिन रियल में ये कोई टेस्ट नहीं था असल में यहाँ पर आग लगाई गई थी और वो इतने अच्छे होते हैं कि स्टूडेंट्स इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो जाए इसलिए उन्होंने अपने से ही ये कहानी घर ली थी अब ऑफ़िस में आके देखते हैं कि यहाँ पर तो चंग जी की तो फाइल भी गायब है ये देख कर वो तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा आखिर कौन कर सकता है अब वो जल्दी से असिस्टेंट से जब इस बारे में पूछते हैं तो वो ने कहता है कि मैं तो इस सबके बारे में कुछ भी नहीं जानता और चैक के डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूकस कॉन्स्टिलेशन के लोगों ने ही चोरी किए थे वो लोग अभी इसी बारे में ही मीटिंग कर रहे होते हैं तभी मालिक मकान आकर उन्हें रेंट पे करने को कहता है तो वो फिर रेंट पे करने के लिए उससे और वक्त मांग लेते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग प्रेसिडेंट सारे कंटेस्टेंट्स को अगले राउंड के बारे में ही कुछ बता रहे होते हैं जिसमें उन्होंने चार चीज़ों को कलेक्ट करना था वो थी हवा पानी फायर एंड अर्थ और वो फिर उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ से भेज ही देते हैं तब सर को वहीं छोड़कर खुद वहां से चला ही गया था फिर बाद में बेबे चैक का माइंड रीड करती है तो उसे पता चलता है कि इस राउंड में चैक के साथ कोई इंसिडेंट भी होना है तो वो फिर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती है और उसे अपना ध्यान रखने को कहने लगी थी तब तो वैन उन्हें कहता है कि तुम परेशान ना हो मैं इसके साथ ही रहूँगा फिर वो लोग अपने अपने वे में चले जाते हैं तभी हम देखते हैं कि सारे टीचर्स भी वहाँ पर डाकुओं की तरह नकाब ओढ़ कर खड़े स्टूडेंट्स का वेट कर रहे थे और इधर शैन फंग को चैक के बारे में बता होता है कि आज उसके साथ कोई इंसिडेंट भी होना है लेकिन फंग तो फिलहाल इस बात पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसे इस बात से ना कोई फर्क ही ना पड़ता हो फिर यहाँ पर ये लोग एक एरो साइन देखते हैं जो दो डायरेक्शन की तरफ ही इशारा कर रहा होता है यहाँ पर ली यादांग तो जबरदस्ती शैन को लेकर एक साइड पर जाने लगता है जबकि फेंग और हाओ बेबी दूसरी साइड पर जाने लगते हैं फ़ाइनली फंग और यहाँ पे हाउ बेबी एक प्लेस पर पहुँच चुके होते हैं जहाँ पर चारों में से एक चीज़ को तो कलेक्ट उन्हें करना ही था इधर ही टीचर्स तो उनसे ख़ुद को एक स्ट्रेंजर्स की तरह ही बिल्कुल शो करवाने लगते हैं लेकिन फंग को पता चल जाता है कि ये तो हमारे क्यूट से ही सर है ना एंड देन यहाँ पर फिर वो टीचर्स उन्हें खुद से फाइट करने का चैलेंज भी करते हैं एंड देन यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच छोटी मोटी फाइट हो जाती है इधर ही वैन और चेंग भी उस एरो साइन वाली प्लेस पर पहुंच रहे होते हैं हमारे मासूम से चेंग तो उन साइंस को देखकर वैन से कहती है कि लगता है ये टॉयलेट जाने के लिए साइंस लगाए गए यहाँ पर एक ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन का एक चमचा उनकी तरफ आता है और वो नहीं कहता है कि ये साइंस ये शो कर रही है कि एक बॉय एक तरफ जाएगा और एक गर्ल दूसरी साइड पे जाएगी अब वो खुद को उनसे ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं आप लोगों का सहरी हूँ और यहाँ पर आपका वेट कर रहा था और जब वैन सेपरेट जाने के लिए नहीं मानता तो वो ज़बरदस्ती उसे दूसरी साइड पर जाने के लिए, के लिए कहने लगा था उसने तो उनसे ये भी झूठ बोला था कि जूडोंग और बेबे भी सेपरेट ही गए हैं इधर चेंग तो बेबे को आवाज़ देने लगती है और दूसरी तरफ़ जूडोंग और बेबे मुजी जियान और एक और स्टूडेंट एक स्पॉट पर पहुंचते हैं तो वहां पर टीचर उन्हें खाना बनाने का ही चैलेंज कर देती हैं जो कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इधर ही हाउ बेबे और फंक टीचर से फ़ाइट कर रहे होते हैं तो ऊपर से वैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है तभी एक और नकाबपोश ग्रुप भी उन पर अटैक कर देता है फिर सर मार खा कर उन्हें कहते हैं कि आप लोगों ने एक चेक पॉइंट पास कर लिया तभी फंग वैन से चैंग का पूछता है कि वो कहाँ पर और यहाँ पर जब वो हाउ बेबे को देख कर सोचता है तो उस आदमी ने तो फिर उनसे झूठ बोला था और वो दोनों फिर चैंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और यहाँ पर असिस्टेंट लोगों को देखता है वो भी घबरा गया था ये लोग तो चुपके से 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 जाने जाने की करते हैं हैं ये इस बैड न्यूज़ देने के के लिए असिस्टेंट साहब तो प्रिंसिपल पास जाने लगते इधर प्रिंसिंग दाग भी एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और जब यहाँ से लिया दाग को गुजरने में मुश्किल होती है तो तब शैन उसकी हेल्प करता है और बाकी के स्टूडेंट्स तो अभी तक खाना बनाने को ही लगे बैठे होते हैं और उधर बेचारे चैंग के पास कुछ कॉन्स्टेशन के चमचे आई खड़े होते हैं और वो तो फिर खुद को उसके टीचर्स की तरह ही प्रीटेंड करने लगते हैं और वो यहाँ पर उससे एक टेस्ट लेने का बहाना करके ना उसे एक बोरी में बंद कर देते हैं और जब वो उसे लेकर जा रहे होते हैं तभी फंक भी वहां पर आ जाता है और उन से फाइटिंग करता है फिर फंक भी जल्दी से चैंग को लेकर जाने की करता है इधर ये शैन और ले याद के एक दूसरे से फाइटिंग भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ मिलकर जा भी रहे होते हैं जाहिर सी बात है इसके अलावा तो उनके पास कोई और ऑप्शन तो था ही नहीं उधर असिस्टेंट सर से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर उनसे टू दी पॉइंट बात करने की बजाय ना खाने के लिए बैठ गया था कितना पेट हुआ है ना ये और फिर वो दोनों चैंग जियार को लेकर ना फिर डिस्कशन करते हैं और साथ में वो चैंग के अंकल को भी बताते हैं कि चैंग की फाइल स्कूल से चोरी हो गई है और फिर सर उनसे चैंग के पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं तो फिर यहाँ पर चैंग के अंकल उन्हें उसके पेरेंट्स के बारे में बताते हैं कि उसकी मॉम की डेथ तो फिर उसकी बर्थ के वक्त ही हो गई थी और साथ में उसे ये भी बता देते हैं कि चैंग के फादर अभी जिंदा है और वो फिर सर को चंग के फादर से मिलने का ही कह देते हैं और साथ में ना उनका एड्रेस वगैरह भी बताने लगते हैं कि वो इस वक्त इधर ही होंगे सो आप लोग उनसे जा मिल लो ना यही बेहतर होगा और यहाँ पर वो उसे ये भी बताते हैं कि चैंग की फाइल किसने चोरी कर ली है आखिर उसमें ऐसी कौन सी स्पेशल बात है तो यहाँ पर चैंग वे सर के कान में कुछ बता देते हैं अभी फ़िलहाल हमें चैंग की स्पेशल क्वालिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया उसके बाद फिर चैंग वे सर से कोई भी बात नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं उधर वैन अभी चैंग जियार को ढूंढ रहा होता है और फिर रास्ते में उसकी मुलाकात हाव बेबे से हो जाती है यहाँ पर हाव जब चैंग को बुरा भला कहने लगती है तो वैन उसे चैंग के बारे में कुछ भी गलत ना बोलने को कहने लगा था और वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ चेंग और फेंग जब उन गुंडों से छुपकर खड़े होते हैं तभी वो उन पर अटैक कर देते हैं यहां पर फैंक कुछ गुंडों की पिटाई भी लगा देते हैं और इधर ही चेंग की भी एक गुंडे के साथ फाइटिंग भी चल रही होती है और तभी चेंग एक प्लेस पर ना जाके स्लिप हो जाती है यहां पर फैंग फर्स्ट टाइम अपनी सुपर पावर का कर यूज करके चेंग की हेल्प करता है और तभी चेंग को भी पता चल जाता है कि बचपन में भी फैंग ने इसी तरह ही उसकी हेल्प की थी और फिर चेंग उसे यहां पर छोड़ने के लिए कहती है जब पंक उसे नहीं छोड़ता तो फिर वो उसके हैंड पे बैच मार देती है मेरी वजह से तुम तो खुद को हर्ट ना करो ना तब भी वो उसका हाथ नहीं छोड़ता और फिर अपनी सुपर पावर का यूज़ करके अपने क्लाउन के साथ मिलकर चैंग को ऊपर खींचने लगते हैं और फिर वो उसे डांटने भी लगा था कि एक तो मैं तुम्हें बचा रहा था ऊपर से तुमने मुझे बैच क्यों मारा तो चैंग उसे कहती है कि वो मैंने इसलिए मारा था ताकि तुम मुझे छोड़ देते और मेरे साथ नीचे तो ना गिरते लेकिन फिर यहाँ पर फिर चैंग उसे थैंक्स भी कहती है कि तुमने बचपन में, में भी मेरी हेल्प की थी और अब भी फिर हम बेबे और जू डोंग को देखते हैं वो दोनों मौसम को इन्जॉय करते जा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर अफीकस कॉन्स्टिलेशन के चमचे आ जाते जाते हैं। और वो तो उनसे उनका सामान मांगने लगते हैं कि ये हमें दे दो अपना पे देते हैं। और जब वो लेने के लिए तो मेन पॉइंट पर पहुंच जाए थे और तभी वहाँ पर बेबे -बे और जू डोंग की भी धमाकेदार एंट्री होती है इधर जब प्रेसिडेंट को असिस्टेंट से उन गुंडों के बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से स्टूडेंट्स के पास जाने लगते हैं और असिस्टेंट को ये न्यूज लेट ने पे अच्छी खासी डांट भी पड़ जाती है और जब सर स्टूडेंट के पास पहुँचते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि अभी तक फ़ंग और चैंग मेन पॉइंट पर तो पहुँचे ही नहीं है तो वो फिर सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से जाने का कह देते हैं और ख़ुद उन दोनों को फिर यहाँ पे ढूंढने के लिए निकल ही पड़े थे दूसरी तरफ चेंग और फेंग भी एक प्लेस पर बैठे होते हैं जो कि उनकी नज़र में तो एकदम सेफ प्लेस ही थी और यहाँ पर तो चेंग को पता चल जाता है कि फेंक का जोरिए साइन लियो नहीं बल्कि जैमिना है अगर तो तो वो अपनी सुपर पावर ना स्कूल में यूज ही नहीं करता यहाँ पर फेंग चेंग से इस बात का प्रॉमिस लेता है कि वो इसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी वो भी उसे एशोर करवाती है कि डोंट वरी मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी और उन दोनों को तो वहाँ पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है और वो दोनों तो फिर अपने पास आग भी लेते हैं हम यहां पर जब फंक सो रहा होता है तो तब उसे बहुत बुरा सपना आता है जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है पर यहाँ पर चेंग को जब पता चलता है कि फंक की बर्थडे बहुत जल्द आने वाली है तो वो फिर उसे उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचती है और वो यहाँ पर उसके लिए सॉन्ग भी सिंग करने लगी थी चेंग, फिर चेंग से प्रॉमिस करता है कि अब नेक्स्ट आने वाली सारी बर्थडे मैं तुम्हारे तो साथ ही सेलिब्रेट करूँगा यहाँ पर वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि इतने में ऊपर से सारे टीचर्स भी उनको ढूंढते ढूंढते पहुँच जाते हैं और उनके रंग में फंगी डाल देते हैं वो दोनों तो टीचर्स को देख काफ़ी एम्बेज फील करते हैं फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फंग को अपनी मोम से डांट पड़ रही होती है कि वो फिर से उस लड़की के साथ क्या कर रहा था उसकी नज़र में जब भी चेंग उसके साथ होती थी ना तभी वो मुश्किल में पड़ता है और यहाँ पर तो मोम उसे आप कहीं भी जाने से मना कर देती हैं और वो तो मिस्टर फू को फंग पर 24 घंटे नज़र रखने का ऑर्डर देती हैं फिर स्कूल में फिर यहाँ पे बू एंग गैंग और ही वे गैंग के कुछ मेंबर्स तो पहले बड़े मजे से एक दूसरे के साथ गॉसिप्स करने में पिसे होते हैं और जब शैन और लिया दंग वहाँ पर आते हैं तो तब तो वो एक दूसरे से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं फिर ये दोनों उन्हें चुप करवा कर बैठा कर देते हैं और दूसरी तरफ चैंग वैन से मिलने लाइब्रेरी आती है और यहाँ पर वैन अब स्कूल में होने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा था और चैंग को तो एग्ज़ाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं होती एग्जाम को लेकर परेशान देख के ना यहाँ पर वैन साथ साथ तो तो अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो ना बताओ फिर चैंग वहां से चली जाती है नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट्स के एग्जाम का दिन आ गया जब स्टूडेंट्स को यहाँ पर पेपर शीट मिलती है तो उस वक्त किसी को भी क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे होते निगरानी सर का असिस्टेंट ही कर रहा था वो तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी क्लास को रूम से बाहर निकालने लग जाता है तो उस वक्त टीचर उसे आकर कहती हैं कि अगर तुम ऐसे ही स्टूडेंट्स को बाहर निकालते रहोगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम कौन देगा फिर टीचर तो ये पेपर सस्पेंड कर देती हैं और उन्हें ये गुड न्यूज़ देती हैं कि सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स के बगैर ही ना नेक्स्ट क्लास में प्रोमोट कर दिया जाएगा हली आदांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो चीटिंग के बगैर ही वो पास हो गया और फिर फंग जब क्लास से बाहर जाने लगता है तो चैंग उसके पास जाती है और यहाँ पर तो फंक के फिर गार्ड्स उसके बात भी नहीं करने देते आज फंक की बर्थडे थी तो चैंग उसे उसका प्रॉमिस याद करवाती है अपना प्रॉमिस मत भूलना इतने में शैन भी आ जाता है यहां पर चैंग फिर से शैन से एक फेवर मांगती है लेकिन इस बार तो मिस्टर उन दोनों को फंक से मिलने के लिए घर के अंदर ही नहीं जाने देता फिर चैंग तो वहां से चली जाती है शैन लिया दांग को वहां पर बुलवाता है तो अब मिस्टर फू उन दोनों को घर के अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं वो दोनों ही फंग के रूम में आ जाते हैं यहां पर लिया या दंग फंग को घर से भगा ने के लिए उन्हें अपने प्लान से बताता है वो एक ड्रिल मशीन लेकर ना वॉल को होल करने की ट्राई करने लगता है इसके शोर से वो भी रूम का डोर ओपन करके देखते हैं तब तो वो दोनों अपने हेयर्स को सेट करने का बहाना कर देते हैं अब उनका ये प्लान तो फेल हो चुका था फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं फिर फंग अब खुद इस मसले को हल करने का प्लान बनाता है उधर चैंग फंग के आने का वेट कर रही होती है तभी फंग भी वहाँ पर आ जाता है फिर चैंग फंग को अपने घर पर ले जाने लगती है और यहाँ आकर वो दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और साथ में खूब सारा इंजॉय भी करते हैं इवन के बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं उधर मिसिज़ फंक भी फंक को देखने उसके रूम में जाने लगती हैं और वहाँ पर वो फंग को बिस्तर पर बैठा देखती हैं उन्हें तो पता चल जाता है कि ये रेल में फंक नहीं बल्कि उसका क्लाउन ही है और वो फिर यहाँ पर अपने बेटे से बातें करना स्टार्ट कर देती हैं अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि फंक की मॉम उससे बहुत ज़्यादा लव करती हैं और ये पाबंदियाँ भी तो बस मजबूरी में नहीं उस पर लगाई हैं ताकि कोई उसकी असलियत के बारे में जान ना पाए फिर थोड़ी देर के बाद ना वो तो यहाँ पर फंख को ढूंढने के लिए निकल ही पड़ हमें ये भी पता चलता है मिसेस मिसिस एक्चुअली में इसकी रियल मॉमी है ना कि स्टेप मॉम दूसरी तरफ वैन जब चैंग से मिलने जाता है तो उसे चैंग के अंकल बताते हैं कि वो तो रेस्टोरेंट पर है ही नहीं लेकिन अभी वो रेस्टोरेंट के अंदर ही जाने लगता है उधर और कॉन्स्टिलेशन का एक चमचा भी अपने बॉस को छुड़ाने के लिए पहुँच जाता है और फिर हम फंग और चेंग को देखते हैं जो कि मिलकर यहाँ पर बहुत सारी लाल टेने चलाते हैं और आसमान पर जाकर तो ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है फाइनली यहाँ पे फेंग ने अपनी फीलिंग्स इससे कन्फेस कर ही ली थी ये सब देखकर ना चेंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इवन के इन दोनों के बीच इधर किसी हो गई थी तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग यहाँ पे चेंग को थैंक्स ही कह रहा था क्योंकि आज उसकी वजह से उसने अपनी बर्थडे को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था यहाँ पर वो चेंग को हक भी कर लेता है तभी वो देखता है कि उसकी मॉम भी उधर ही गाड़ी में बैठी उन्हें देख रही होती हैं जब चेंग वहाँ से चली जाती है तो तब फेंग अपनी मॉम के पास आता है उसकी मॉम तो यहाँ पर गुस्से से इस वक्त तो उसे काफ़ी ज़्यादा घूर रही होती हैं पर चेंग जब रेस्टोरेंट पर आती है तो वो फिर वहाँ पर अंकल और वैन को देखती है यहाँ पर वैन चेंग को के मैच के बारे में बताता है जो कि उनका फाइनल मैच होने वाला था फिर वो उसे गुड बाय कहता वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद अंकल चेंग के सामने वैन की तारीफ करते हैं कि वैन एक अच्छा लड़का है और इससे पहले कि वो वैन के बारे में उसे और बात करते चंग तो जल्दी से जाने की करती है और फिर जब वैन रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा होता है तब फेंक की मॉम उसे देख कर से कहती हैं कि मैं तुम्हें पहले ही कहती थी कि चंग एक अच्छी लड़की नहीं है देखो आधी रात को उनके रेस्टोरेंट से एक लड़का निकल रहा है और यहाँ पर वैन भी उन्हें देख लेता है उसे देख कर तो मिसिज फंक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं मीन वो भी वैन के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानती थी फिर यहाँ पर वो फंक को चेंग से दूर रहने के लिए वॉन्ट भी करती हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं इधर चैंग जब कल होने वाले मैच में जाने पर अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है तो तब अंकल भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो तो ड्रेस सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प कर देते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि वैन तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी रख के गया था और साथ में वैन ने यह भी कहा था कि ये तुम्हारे लिए कल वाले कंपटीशन में काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है फिर अंकल के जाने के बाद वो गिफ्ट देखने लगती है और वो एक ब्यूटीफुल बॉक्स में एक हार्ट को देखती है जिस पर के ब्रेवी लिखा हुआ था वो तो ये देख बुरा सा मुंह बनाती है और उसे साइड पर फेंक देती है नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आती है ना तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रीटी लग रही होती है और फिर बाद में उसे जैसे ही शाव देखती है तो उसके ड्रेस की नाम बुराई करने लगती है जब वो देखती है कि हाउ बेबी ने भी वैसे ही ड्रेस पहना हुआ है तो फिर तो शाव की शक्ल देखने वाली नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि सारी टीचर्स कंपटीशन स्टार्ट करने की बात करते हैं लेकिन चैंग अभी तक कंपटीशन में नहीं पहुंची होती और हमारी क्यूर से चेंग तो वॉशरूम में बैठ कर सुपर पावर हासिल करने वाली बुक रीड कर रही होती है लेकिन इस सब का भी उसे कोई फ़ायदा हासिल हो ही नहीं रहा होता जब वो बाहर आती है तो तब उसकी मुलाकात वैन से होती है वैन उससे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरा बताया हुआ सीक्रेट वेपन पढ़ लिया था चैंग कहती है कि हाँ मैंने रीड किया था वो ब्रेव हार्ट के बारे में था अब वो तो ऑलरेडी मेरे पास है लेकिन वैन सोचते हैं कि मैंने तो उस पर स्कॉर्पियो से जीतने के बारे में लिखा था और फिर हम देखते हैं कि उस हार्ट की बैक साइड पर वैन ने स्कॉर्पियो से जीतने के लिए सारे कंडीशन वगैरह लिखी हुई थी जो कि चैंग ने तो पढ़ी ही नहीं इधर फाइनल मैच में पहला मुकाबला चैंग और हाउ बेबे के दरमियान होने वाला था और अब हाउ बेबे चैंग के आने का वेट कर रही होती है है। फिर चैंग भी आई जाती है और फिर उन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट यहाँ पर तो चैंग के बावजूद भी ना हाउ बेबी की अच्छी कुट ये दोनों तो रेसलर्स की तरह एक दूसरे की अच्छी खासी दुर्गति बना देती हैं एक टीचर भी सरप्राइज कंडीशन में ना इन्हें देख रहा था इन दी एंड हाउ बेबी तो ये राउंड जीत जाती है फिर फंग भी चैंग को पूछने आता है तो यह देखकर हाउ बेबी काफी जेलिज फील करती है फंग तो चैंग को वहां से लेकर जाने लगा था अब शैन और वैन का मैच होना था तो शैन फंग से कहता है कि यार तुम मेरी कोई परवाह नहीं है तो वो दोनों दोनों उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं वहां से चले जाते हैं और फिर वैन और शैन की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है बाद में फंग जब चैंग के हैंड पर चोट का निशान देखता है तो वो फिर उसके लिए काफ़ी ज्यादा फिक्रमंद हो गया था ऊपर तो से हाउ बेबी भी उन दोनों को ऐसे देख लेती है तो वो तो और ज्यादा जेलिस फील करती है शैन भी वहाँ पर आ जाता है तो फैंग उससे उसके मैच का पूछता है वो उसे बताता है कि मैं वैन से हार गया हूँ ये सुनकर तो चैंग खुश हो जाती है कि तुम वैन से हार गए फिर सब स्टूडेंट्स देखते हैं कि टीचर्स अनाउंस कर रहे हैं कि सेमीफाइनल किन किन स्टूडेंट्स का होना है जिनमें के एक मैच तो फंग और हाउ बेबी के दरमियान भी होने वाला था अब यहाँ पर ये दोनों तो एक दूसरे को ही देखने लगते हैं नेक्स्ट हमें यही दिखाया जाता है कि वैन और लिया यादांग का मैच स्टार्ट हो गया और फिर काफ़ी फ़ाइट करने के बाद ही ना फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वैन तो ये राउंड जीत ही गया था और फाइनल में पहुंच जाता है फिर नेक्स्ट मैच तो फंग और हाउ बेबे का होने वाला था यहाँ पर हाउ बेबे फेंग से कहती है कि मैं एक शर्त पर ये मैच गिव अप कर दूंगी कि तुम आज सबके सामने मुझसे अपने लव की कन्फेशन करो चेंग तो ये सुनकर सैड हो जाती है लेकिन फंग तो हाउ से अपना लव कन्फेस नहीं करता और साथ में उसे यह भी कहता है कि मेरे तो किसी और पर क्रश है ये सुनकर हाउ में भी सैड होकर वहाँ से चली जाती है और ये राउंड तो बिना फाइट के फंग जीत जाता है अब फाइनल राउंड वैन और फंग के दरमियान होना था फिर बाद में फंग और चेंग की मुलाकात होती है तो यहाँ पर फंग फंक से कहता है कि आज तुम चेंग को घर ड्रॉप करोगे ये सुनकर तो वो काफ़ी ज्यादा सरप्राइज रह गया था फिर वो जब साइकिल पर चेंग को लेकर जा रहा होता है तब फंग जल्दी से गाड़ी वहाँ लेकर आता है और चेंग भी जल्दी से गाड़ी में बैठ कर वहां से जाने की करती है वो तो ये देख कर काफी शौक गया था। लेकिन फिर अपनी परेशान तो होती है कि ऐसी हरकत करने पर उसे कहीं से ना वो दोनों एक प्लेस पर आकर बैठते हैं यहाँ पर चैंग कल वाले कंपटीशन को लेकर डिस्कशन ही करने लगी थी और फिर वो दोनों यहाँ पर स्टार्स की बातें करने लगती है फंग तो यहाँ पर चैंग को एक स्टार से भी इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नेम काफी ज्यादा मुश्किल होता है वो दोनों बैठकर स्टार्स की बातें करते हुए एक साथ में बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं उसी तरफ मिसेस फंग अब अपने सारे गार्ड्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं कि उन्होंने आखिर अफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन के बंदे को अपने हाथों से जाने भी कैसे दिया और साथ ही साथ उन्हें जल्द अज जल्द उसे पकड़ने का ऑर्डर भी दे देती हैं वो फिर अपनी फैमिली के चारों एल्डर्स के पास पहुँचती हैं और यहाँ पर वो लोग फंग की बर्थडे पर उसे फंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी सौंपने का ही फैसला कर चुके थे उधर अफ्यूकस कॉन्स्टलेशन के चमचे अपने बॉस के वापस आने पर उसके खूब आवभगत करने को खड़े होते हैं और यहाँ पर वो लोग चैक को किडनीप करने का भी प्लान बनाने लगते और तभी फिर से मालिक मकान आकर उनसे किराया मांगता है तो सब लोग फिर वहां से इधर उधर हो जाते हैं मीन के इस दफा भी उनके इरादे ना उसे कोई भी जवाब ना देने को थे फिर वो अपने क्या ही कहता इधर फंक को पता चलता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि वैन ही था यहाँ पर वैन को तो पता होता है कि फंक का जोड़ी एक साइन लियो नहीं है लेकिन फंक तो उसे यही शो करवाता है कि मेरा साइन तो लियो ही है और इस बात पर ही उन दोनों की फ़ाइट भी हो जाती है फिर वैन तो फंक से अच्छी खासी फाइट करके वहाँ से चला गया था और सर भी दूर से खड़े इन दोनों को देख रहे होते हैं फंख जब जख्मी हालत में घर आता है तो उसकी मोम भी उसे ऐसे देख लेती है और मोम के पूछने पर उन्हें बताता है कि ये चोट बस मुझे एक्सीडेंटली गिरने से लगी है यहाँ पर मॉम उसे एक मेडिसिन खाने के लिए देती हैं और असल में ये मेडिसिन उनके एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड होती है फंग तो मेडिसिन खाते ही बेहोश दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं जो अपनी मोम की फोटो देख रहा था तभी उसे अपने घर का डोर ओपन होने की आवाज़ आती है तभी भी हमें इधर लियांग को ही दिखाया जाता है जो गायब होकर वैन के रूम में जाने लगा था वैन भी बहुत चलाक होता है उसे भी किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है तो वो एक साइड पे चुप जाता है फिर वैन लाइट ऑफ करके अपनी रॉरिंग स्किल यूज़ करता है तो उसे लियांग का पता चल जाता है वो फिर लाइट ऑन कर लेते हैं और अब लियांग भी अपना फेस रिवील कर देता है वो तो यहाँ पर मिसिज फंक के कहने पर वैन को मारने के लिए आया था वो इस वक्त वैन पर अटैक नहीं वाला होता है कि तभी कोई लियांग पर ही अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो तो मर जाता है और इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फू ही था फिर मैन के पूछने पर वो उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ पर तो फू मैन को अपना मास्टर कहकर बुलाता है मीन उसे पता चल गया था कि फैम, फैमिली का इकलौता वायरस और कोई नहीं बल्कि यही है दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस मेडिसिन खाने की वजह से फंक की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है लेकिन फिर भी वो स्कूल जाने के लिए रेडी था और यहाँ पर उसकी मॉम भी उसके कंपटीशन को लेकर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती है उधर वहन तो रात वाले वाक़े से इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि जब चैक पीछे से आकर उसे टच करती है तो उस वक्त वो उसको पकड़ कर उसकी कुट लगाने ही लगता है लेकिन फिर वो चैंग को देख लेता है यहाँ पर चैक उससे आज होने वाले कम्पटिशन के बारे में डिस्कशन करती है और उसे ये भी कहती है कि ये ना हो कि इस कम्पटिशन की वजह से हमारी फ़्रेंडशिप भी

की बात करती है क्योंकि वो फंक के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद जो लग रही थी अब जाहिर सी बात है उसे सच का पता जो था कि वैन तो रेल में है जबकि फैन का साइन तो कोई और है फंग तो अपनी इस आइडेंटिटी को छुपाने के लिए सुपर पावर का यूज ही नहीं करता तो कहीं वैन उसे जख्मी ही ना कर दे थोड़ी देर के बाद चैंक तो फंग के पास भी आते हैं यहाँ पर चैन भी फंक के कंपटीशन के बीच ना हेल्प करने को बोलता है लेकिन फंक उसे इस सब के लिए मना कर देता है फिर उन दोनों की यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर वैन तो अपनी सुपर पावर का यूज करके फंक से फ़ाइटिंग करता है लेकिन फंग ने तो अभी तक अपनी सुपर पावर का यूज़ किया ही नहीं था फंग तो इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है सब लोग फंग के लिए परेशान थे यहाँ पर वैन तो हारमोनिका भी बजाना स्टार्ट कर देता है अब इतना ज़ख्मी होने पर भी वो अपनी सुपर पावर का यूज़ नहीं करता तो इस बात पर वैन को उस पर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपनी सुपर पावर का यूज़ करने के लिए फोर्स ही करने लगा था तो फंक उसे यकीन दिलाने लगता है कि मेरा साइन ली हुआ है और यहाँ पर तो फंग फर्स्ट टाइम रोडिंग स्किल का यूज़ करता है जिसे देख तो वैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर तो सारे टीचर्स भी काफ़ी शॉकिंग कंडीशन में उसे देखने लगते हैं कि फंग ने आज फर्स्ट टाइम स्कूल में अपनी सुपर पावर का यूज किया है फंग में ये वाली स्किल ना उनकी फिर दी हुई एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन को खाने की वजह से ही आई थी इधर वैन जब फैंक से फिर से फाइट करने के लिए आगे बैठते हैं तो चैंग उसे अब फंग को हिट करने से मना कर देती है यहाँ पर वैन तो अब फंग को अपना भाई बन कर दिखाते हैं और वो ये मैच गिव अप कर देते हैं अब यहाँ पर फंक बेहोश अब फंग तो इस ईयर के कंपटीशन का सुपरस्टार ही बन गया था और फिर सब लोग फंग की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं चैंक तो फंग को बेहोश देख के रोना ही स्टार्ट कर देती है इधर वैन को सर लेकर वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उस वक्त कुछ लोग वैन का पीछा कर रहे थे और जब वैन उनके हाथों से निकल जाता है तो वो ये बैड न्यूज़ फिर मिसिज फंग को देते हैं क्योंकि उन्होंने ही अपने आदमियों को वैन को मारने के लिए भेजा था दूसरी तरफ हम फंग को देखते हैं जो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुँचा होता है फिर मिसिज फंग आकर अपने बेटे को देखती है और फिर वो उस के फ्रेंड्स को वहाँ से जाने के लिए भी कहने लगी थी और चैंग को वो अपने साथ आने के लिए कहती हैं फिर बाहर आकर मिसिज फैंग चैंग को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करने लगती कि तुम हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो फिर चैंग भी उसी टोन में उनसे बात करने लगती है इससे पहले कि उन दोनों की फ़ाइट होती ऊपर से सर वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो चैंग तो उधर से चली ही गई थी यहाँ पर सर मिसिज फंग से फंग की रॉरिंग स्किल्स को लेकर ना डिस्कशन करने लगते हैं कि वो स्किल तो बिल्कुल बिगनर्स की तरह थी मिसिज फंग तो इन सब बातों की कोई भी परवाह नहीं होती उनकी नज़र में तो बस फंक कंपटीशन जीत गया था यही काफ़ी था और वो तो सर को भी उनकी बातों का कोई खास रिस्पॉस नहीं देती हैं और वहाँ से चलती बनती लेकिन सर तो फंक के जोरियक साइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट में होते हैं और वो तो फिर फंक के ब्लड का टेस्ट करवाने का सोचती हैं और वो नर्स से जानबूझ कर टकरा के वहाँ से ब्लड से भरी हुई एक कॉटन चोरी कर लेते हैं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चंग शैन से फंकी कंडीशन के बारे में पूछ रही थी तो शैन उसे फंकी फ़िक्र ना करने को कहता है क्योंकि उसका बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट जो रहा था फिर वो उससे हाउ बेबे हॉस्पिटल तो में ही है दूसरी तरफ़ हाउ बेबे फंक को अपने हाथों से सूप पिला रही होती है और फिर फंक को पता चल जाता है कि वाले बंदे का तो फिलहाल कोई पता नहीं चला और लियांग की भी डेथ हो गई है वो फिर इस बात से सैड हो जाती है और फिर वो उन्हें अफिकस वाले बंदे को हर जगह तलाश करने का ऑर्डर देती है उधर वैन के पास वही अफिकस वाला बंदा ही आता है और उस बंदे को तो वैन की सारी हिस्ट्री के बारे में भी पता होता है और वो ये भी वैन ने कंपटीशन भी जान बुझ कर ही हारा था इससे पहले कि वो दोनों कोई भी डिस्कशन करते ये साहब तो फिर फॉरन से टू पॉइंट बात करते हैं कि तुम ना हमारे साथ कोऑपरेट कर लो अब फिर वैन के पूछने पे ना वो खुद को उसे इंट्रोड्यूस ही करवाने लगा था कि मैं से और यहाँ पर तो इस पर्सन को ये भी पता होता है कि फंग तो की मिसेज मरवाने के चक्रो में है ये साहब तो हम यहाँ पर वैन को फंग फैमिली से रिवेंस लेने के लिए फोर्स ही करने लगे थे इधर वैन तो अपनी सुपर पावर का यूज करके उस पर अटैक करने का सोचता है लेकिन ये पर्सन तो यहाँ पर उसका फ्रेंड बनने

दिखाया जाता है आज के सेरेमनी में फंग को फंग्स कंपनी का इंचार्ज बनाया जाना था और इस बात को लेकर मिसेस फंग तो आज हवाओं में ही उड़ रही होती हैं और इधर ही हाउ बेबे भी फंग की ड्रेसिंग वगैरह करने में उसकी हेल्प ही करने को लगी खड़ी होती है यहाँ पर तो हाउ बेबे ने फंग को एक रिंग भी पहनने को दी थी वो तो फ़ौरन से वही वाली रिंग उतार के ना उसे वापस कर देता है और इस सैरेमनी में प्रेसिडेंट साहब मिसेस फंग से मिलते हैं और वो मिसेस फंग से टू दी पॉइंट बात करते हैं कि मैंने फंग के ब्लड के कुछ टेस्ट वगैरह करवाए हैं और वहाँ पर मुझे पता चला है कि फंग की बॉडी में कुछ सीरम पाया गया है जो कि उसकी बॉडी से तो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता यहाँ पर मिसिज फंग तो इस बात से अनजान बनने की कोशिश करने लगती हैं कि जैसे उन्हें इस बारे में कुछ पता ही ना असल में तो वो सीरम उन्होंने ही फंग की बॉडी में डलवाया था यहाँ पर तो प्रेजिडेंट को फंग की आई इडेंटिटी का पता चल गया था कि रियल में वो ड्यू नहीं है और वो आज की सेरेमनी को कैंसिल करने का कहते हैं मिसेज फंग तो सेरेमनी कैंसिल करने के बिल्कुल भी हक में नहीं होती तो प्रेसिडेंट फिर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं इधर सेरेमनी में तकरीबन सारे लोग इकट्ठे हो गए थे इवन के बेबे जूडोंग मूसी जियान और लिया दांग भी आए होते हैं बस दो लोगों की कमी थी और वो थे चेंग और शैन जिन्हें वैन ने किडनीप करवा लिया था फंग तो उन दोनों को लेकर काफ़ी ज्यादा फिक्रमंद होता है फिर फंग जब चेंग को कॉल करता है तो आगे से वैन उसकी कॉल पिक करता है और उसे बताता है कि मैंने चेंग को कर लिया और साथ में शैन को भी वो तो उसे उन दोनों की प्लेसेस भी दिखाता है जहां पर वो दोनों पट्टियों से बंधे हुए होते हैं। और उनके साथ तो शेन ने भी फिक्स थे और तभी सेरेमनी हॉल में सब लोगों को एक स्क्रीन पर फंग जाता हुआ दिखाई देता है असल में आज वैन का इरादा फंग को सबके सामने एक्सपोज करने का था इसलिए वो आज फंग के सामने दो रास्ते रखता है जिसमें से एक रोड चैंक की प्लेस पर जा रहा था और दूसरा शन की प्लेस पर अब फंक के पास एक पर्सन को ही बचाने की चॉइस होती है और तभी यहाँ पर कुछ गुंडे भी आकर फंक पर अटैक कर देते हैं इधर सब लोग फंक को ऐसे फाइट करता देख रहे होते हैं एंड तभी फंक अपनी सुपर पावर का कर यूज़ करता है उन गुंडों को हराने के बाद फंक एक साइड पर खूब जाने लगा था और दूसरी साइड पर अपने क्लाउन को भेजता है अब सबके सामने फंक की आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी थी अभी सब लोग इसी बात को लेकर शॉकिंग कंडीशन में थे कि इतने में वैन भी आ जाता है और अपनी फैमिली का हारमोनिका बजाता हुआ ही आया था और वो सबको फंक की आइडेंटिटी के बारे में बताने ही लगता है तभी फ़ंग उसे चुप रहने को बोलती हैं। लेकिन उस वक्त एक एल्डर, फंग को चुप रहने के लिए कह देते हैं तुम्हारी नहीं सुनी अब पर 18 साल पहले होने वाले बताने लगता है कि उनका कोई बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है और ये भी रूमर्स फैले थे कि मिसेज फंग जो बच्चा पाल रही हैं वो मिस्टर मोयान की दूसरी बीवी का है और उनको बताता है कि ये सारी फैलाई हुई स्टोरीज आधी तो सच है जबकि आधी झूठी हैं दूसरी तरफ फंग चेंग को बचाने पहुंच जाता है और वो उसे वहां ऐसे देखकर उसे हक कर लेता है दूसरी तरफ फंग का क्लाउन भी शैन को बचाने पहुंच आया था यहां पर ये लोग जो बाहर पहुंचते हैं तो उधर फिर शैन को भी फर्स्ट टाइम पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड यू नहीं बल्कि जेमिन आई था इसलिए वो सुपर पावर का यूज नहीं किया करता था और जब उसे ये पता चलता है कि फंग ने मुझे बचाने के लिए अपना क्लाउन बेचा और खुद चेंग को बचाने के लिए गया था तो वो इस बात पर सैड हो जाता है उधर वैन सबको बता रहा होता है कि अट्ठारह साल पहले मिसिस फंग ने मिस्टर मोयान की दूसरी वाइफ के बच्चे को मरवाने के लिए। उनका एक्सीडेंट करवाया था पर मिसेस फंग को तो इस वक्त वैन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या तुम फजूल बातें कर रहे हो वो फिर ये भी बताता है कि अठारह साल पहले मिसेस फंग का बच्चा मरा नहीं था बल्कि उसका सिर्फ साइन जैमिना था जो कि फंग टियान से ही है फिर उन्होंने अपने ही बच्चे को पालना स्टार्ट कर दिया ये कहकर के ये ल्यू साइन वाला चाइल्ड है और वो बच्चा जिसे उन्होंने मरवाने के लिए भेजा था वो भी मरा नहीं था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वैन है अब तो सच सबके सामने आ गया था बाहर जब फंग वहाँ पर पहुँच है तो उस वक्त बेबे और सूडा उसे वहाँ से जाने को कह दिया ते हैं क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चल चल गया था इसी तो कहीं बोलो वो लोग उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दें इसलिए बेबी आशूडों उसे जल्दी से जाने को कहते हैं अब तो वैन ने अपना बदला मिसिस फंक से ले लिया था और वो अब फंक कंपनी का इकलौता वारिस बन चुका होता है फिर वो एल्डर से मिलने जाता है यहाँ पर वैन जब उनसे मिसिस फंक के बारे में पूछता है तो वो उसे मिसिस फंक को माफ़ कर देने को कहते हैं क्योंकि आखिर जो भी था उन्होंने कंपनी की डिवेलपमेंट में बहुत ही अहम किरदार अदा किया होता है लेकिन वैन तो उनसे रूडली बात करता है और यहाँ पर तो आपसे बाहर ही हो गया था तभी फिर उसे अंकल चैंग मिलने आते हैं और वो तो आते ही ना वैन को मारने लग जाते हैं क्योंकि उसने उनकी बेटी को जो किडनैप किया था यहां पर उनसे माफी मांगते हैं कि को किडनैप करके उसने गलती तो की थी लेकिन उसके साथ लगाया गया बॉम्ब फेक था और उसने ये सब अपने रिवेंज वाले मिशन को कम्प्लीट करने के लिए किया था फिर जब चैंग वहां से चले जाते हैं तो इस वक्त वैन खुद से कहता है कि सब लोग मुझसे ऐसे क्यों बिहेव करें जैसे कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो अब फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फंग सर के पास आया खड़ा होता है और यहाँ पर सर के पूछने पर वो उन्हें बताया है कि वो उस वाक्य की वजह से इतने दिनों से स्कूल नहीं आया और एलर्स ने भी उसकी मॉम को जेल में डाल दिया यहाँ पर सर से स्कूल छोड़ने की बात करता है लेकिन सर उसके स्कूल छोड़ने के हक में बिल्कुल भी नहीं होते यहाँ पर सर उससे उसकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सीरम की भी उससे बात ही करने लगे थे कि अगर उनकी कंपनी का बनाया हुआ ये सीरम अगर लीक हो गया तो इसे बहुत नुकसान हो सकता है लेकिन फंक का अब अपनी कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं था अब यहाँ पर फंक तो सर को उस बारे में वैन से ख़ुद ही बात करने का मशवरा देते हैं और चला गया था उधर बेबे को उसके डैड अब फैंक को छोड़कर वैन को पटाने की बात करते हैं क्योंकि अब वही जो फंक फैंग फैमिली फैंग का इंचार्ज बनने वाला था लेकिन हाउ बेबी तो अपने डैड की बात को इग्नोर करती हुई वहाँ से गुस्से से चली जाती है कहाँ ऐसा कैसे कह रहे हैं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फंग अब चैंग के घर रहने के लिए आ गया था यहाँ पर तो चैंग फंग को बर्तन धोने के लिए भी कह रही होती है जो कि ये काम करना तो फैंक को बिल्कुल भी नहीं आता था अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वैन भी चंग से मिलने के लिए रेस्टोरेंट ही पहुंच आया होता है लेकिन जब वो वहाँ पर फंग को चंग के साथ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जैलेज फील करता है और तब फंग भी उसे देख लेता है तब तो वैन जल्दी से वहाँ से चला ही गया था रात को हमें दिखाया जाता है कि फंग की तो चेंग के अंकल के साथ अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी हो गई थी और चेंग भी उन दोनों को देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है फिर तभी चेंग भी अपनी बेटी को देखने रेस्टोरेंट पर आते हैं लेकिन चंग को तो फिलहाल ये नहीं पता होता कि वो जिस पर्सन को खाना सर्व कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसके डैडी हैं और तभी फिर चेंगवे हुए चैंग को बताते हैं कि मैं तुम्हारा बाबा हूं और इतने में ऊपर से चैंग के अंकल भी आकर उसे देख लेते हैं और चैंग तो पर अपनी बेटी को फंग से दूर रहने की बात करते हैं तो चेंग तो यह सुनकर गुस्से से वहां से चली जाती है और फिर चैंग के अंकल के पूछने पर चैंग दिनों गायब होने का रीजन बताने लगती हैं और वो फिर उसे फंग फैमिली के साथ होने वाले सारे इंसिडेंट का भी बता देते हैं और ये सारी बातें फंग भी खड़ा सारा सुन ही रहा होता है और वो वहाँ से चला ही गया था अपना सारा सामान उठाकर कर चैंग के घर से जाने ही लगता है यहाँ से जाते वक्त वो तो चैंग के साथ भी था सारे लम्हों को भी याद करके बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था नेक्स्ट पर हम देखते हैं कि वैन के घर में हाउ बेबे की पूरी फैमिली आई थी यहाँ पर हाउ बेबी के डैड तो वैन से बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं और यहाँ पर आकर हाउ बेबी का मूड तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है वो वैन से बहुत रूडली बात करती है वो यहाँ आई भी अपने डैड के फोर्स करने पड़ी थी इसलिए बहुत जल्द चली भी जाती है दूसरी तरफ फंग सारे एल्डर्स के पास पहुंचा होता है और वो यहाँ पर सारी रात से लेकर दिन होने तक इनकी सेवा ही में लगा हुआ था ताकि वो उसे एक दफ़ा मोम से मिलने दे फिर एल्डर्स को भी उस पर रहम आ जाता है और वो मोम से मिलने की इजाज़त दे देते हैं और फंग की मॉम भी किसी जेल में नहीं थी बल्कि वो तो एक आलिशान घर में ही थी जहाँ पर उन्हें हर चीज़ फरहम की गई थी और मिसेज़ फंग तो अपने बेटे को देख बहुत ज़्यादा खुश होती हैं यहाँ पर फंग अपनी मॉम से चेंगवे के बारे में डिस्कस करता है और साथ में मॉम को ये भी बताता है कि चैंगी की बेटी है और उसकी मॉम तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं अब फिर यहाँ पर उसकी मॉम उसे मेडिसिन के बारे में बताती हैं कि उसे एक सेफली जगह पर रखना होगा अगर वो किसी के हाथों लग गई तो इससे हम बहुत नुकसान हो सकता है वो फिर उसे फूह से मिलने का कहती हैं तभी फंखा अपनी मॉम से मिलने का टाइम ओवर हो जाता है वो फिर वहां से चला ही गया था वो के कहने पर खुद का एक गेटअप करता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए लेकिन सभी स्टाफ फंक को ऑफिस में देकर पहचान लेता है उसका ऑफिस में जाने का ये प्लान तो एकदम फ्लॉप ही हो गया था इधर ये वैन साइन प्लेटफॉर्म पर आया था और वो सारे वर्कर्स को इस मशीन पर आगे काम करने से रोक देता है लेकिन तभी ऊपर से फिर यहाँ पर एल्डर्स आकर उसे इस प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं और उसे इस काम को रोकने से मना करते हैं तो फिर वैन वहाँ से चला ही गया था इधर फू फंक को ऑफ़िस में ठहरा खुद उसके लिए लैब में से वही वाली मेडिसिन लेने के लिए जाता है तभी वैन फंग को इधर देख लेता है और वैन को पता चल जाता है कि फंग इधर मेडिसिन लेने के लिए आया है जो कि वैन उसे बिल्कुल नहीं देने वाला था इस बात को लेकर उन दोनों में फाइट भी हो जाती है यहाँ पर फंग वैन को उस मेडिसिन पर मज़ीद काम करने से रोकता है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है लेकिन वैन तो उसकी कोई भी बात नहीं मानने को तैयार था फिर फंग वहां से चला ही जाता है उसके जाते ही वैन उस मेडिसिन वाली फाइल को खोलता है तो उसे पता चल जाता है कि फंग सही कह रहा था फिर वो फूके पास आकर उसे उस मेडिसन पर मजीद वर्क करने से मना करता है लेकिन वो तो उसे इस मेडिसन पर मजीद रिसर्च करने के लिए ही कह देता है कि इस तरह वो मेडिसन को की बनाकर हम फ्यूकस कॉन्सट्रेशन के लोगों को हरा सकते हैं तो मैन भी उसकी बातों पर मान ही जाता है असल में वो तो इस मेडिसन पर और ज्यादा वर्क करवाना चाहता था और इस सब के पीछे फू का आखिर क्या प्लान था वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा यहाँ पर पर्सनली मुझे तो फू एक सही आदमी नहीं लग रहा फिर ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा ना कि आखिर वो एक गुड पर्सन है या बैड पर्सन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन चेंग से मिलने आया खड़ा होता है चेंग तो उसे उससे कोई भी बात नहीं करती और पंख भी उन दोनों को देख लेता और फिर चुपके से वहां से चला ही जाता है यहाँ पर वैन तो चेंग से सॉरी भी बोलता है और उसे ये भी कहता है कि मेरा इरादा तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट करने का नहीं था लेकिन चेंग को तो उसकी बातों तो पर यकीन नहीं आता फिर वैन उसे एक प्लेस पर मिलने का कहकर वहाँ से चला जाता है चेंग भी बहुत सोचने के बाद उस प्लेस पर आ ही गई थी अब यहाँ पर वैन चेंग को बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तो तब तुम्हारी डैड ने ही मुझे पाला था अब इन इमोशनल से हट कर वो दोनों स्टार्स की बातें करने लगते हैं दूसरी तरफ तो कि है, तो है कि किसने बांध दिया होता है और तभी कोई चैंग को भी वहाँ से लेकर जाने लगता है चैंग के डैड भी बड़ी मुश्किल से खुद को रस्सियों से आजाद करते हैं और चैंग के पीछे ही जाने लगे थे और यहाँ से जाते वक्त तभी उनकी तो एक फ्यूकस कॉन्स्टिलेशन वाले पर्सन के साथ फाइट भी हो जाती है तभी वहाँ पर हमारे क्यूट से हीरो की भी एंट्री होती है और फिर वो चेंग वे उसे बताते हैं के चेंग को ओपन तो कर के के करने का पासवर्ड बिल्कुल खुल गया सिम सिम के जैसा था ये लोग ये वर्ड्स बोलते हैं और एंटर हो जाते हैं और एंटर होते ये लोग तो चैक को मारने पीटने की बजाय उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और यहाँ पर हम पर ये राज भी फाश होते हैं कि आखिर ये विलंस हमारे क्यूट से चैंग के पीछे क्यों लगे हुए थे ये तो वो उसे एक लेडी की पिक दिखाते हैं जो कि सेम टू सेम उसके जैसी ही थी अब चूंकि चेंग की शक्ल उनकी चीफ से मिलती जुलती थी ना तो इसलिए सब लोग ना उसे अपना चीफ ही बनाना चाहते थे लेकिन उन्हें कहती है कि तुम तुम लोग गलत समझ रहे हो मेरे पास तो कोई भी सुपर पावर ही नहीं है मैं भला लोगों को कहाँ से गाइड कर सकती हूँ लेकिन ये विलन बिलन तो उसके कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे अब ये सब जहाँ पर चैंग के अंदर की सुपर पावर को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई प्लान्स बनाने ही लगते और फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ऑफिकर्स कॉन्स्टलेशन का बॉस वैन बनकर के पास वो स्पेशल मेडिसिन लेने के लिए जाता है और यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया था कि मिस्टर फू साहब भी इस वैलन के ही चमचे हैं और अब ये मेडिसिन वो लोग जंग पर फिर यहाँ पर अप्लाई करने का सोचते हैं दूसरी तरफ फंख अपनी मोम के पास जाता है और उनसे और फिगर्स कॉन्स्टिशन के लोगों के पास जाने का कोई तो फिर प्लान मांगने ही लगा था यहाँ पर तो उसकी मोम तो उसे एक प्लेटफॉर्म का ही बताने ही लगी थी कि उसका यूज करके ना हम उनसे निमट सकते हैं फंक फिर से वैन से मिलने के लिए ऑफिस जाता है और उससे प्लेटफॉर्म स्टार मांगता है जब वैन उसे ये देने से मना करता है तो फिर फंग तो गुस्से में उसे मुक्का मार देते हैं और बाद में जब वैन फिर भी नहीं मानता तो वो उसे कहता है कि फिकस कॉन्स्टलेशन के लोग चंग को पकड़ कर ले गया ये सुनकर तो वो काफी सरप्राइज होता है दूसरी तरफ वो हुडे चैंग को ना वो मेडिसिन लगाने लगते हैं तो चैंग तो उस वक्त वाशरूम जाने का बहाना बनाकर चली ही गई थी फिर बाद में हमें वैन को फिर फिक्स कॉन्स्टलेशन वाले पर्सन से मुलाकात होती दिखाई जाती है यहाँ पर वैन उसे चंग को छोड़ने की बात करता है तो वो आगे से उसके सामने चंग को छोड़ने की कंडीशन रख देता है और वो होती है कि वैन उसे अपनी कंपनी का ऑनर बना और जब वैन उसे गुस्से देखते हैं तो वो फिर वहां से चला जाता है दूसरी तरफ चैंग करती है करने की और इधर ही बॉस को पता चल गया था कि उनकी चीफ साहिबा तो यहाँ पे तो भाग चुकी है अब वो लोग चैंग के पीछे जाने लगते हैं और इधर ही बॉस वैन को देख लेता है और जब वैन को पता चलता है चैंग यहाँ से भाग गई है तो वो बहुत खुश हो गया था और जब ये गुंडे उसे फाइट करने के लिए कहते हैं तो वो इन गुंडों का से से रास्ते में चेंग जब एक से है तो उसके सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं जो लोग उन पैसों को ही इकट्ठा करने लग जाते हैं चैंग तो वहां से भाग जाती है एक विलन ने तो चैंक को पकड़ लिया था लेकिन जब वो एक आदमी को रेस करते देखते हैं तो वो उसके मुकाबले में दौड़ना स्टार्ट कर देता है वहाँ क्या विलन है ईवन के एक गुंडा तो चैंग को पकड़ कर छोड़ देता है कि अब मेरा रेस्ट करने का टाइम हो गया और मज़े से वहाँ से चला गया था चैन कहती है कि लगता है ये लोग ना दिमाग से खाली है और ये कहती ही वहाँ से चली जाती है अब जब वो ऑफिस में सर के पास आती है तो सर तो बड़े मजे से अपनी सेल्फियाँ लेने में मगन फिर वो चैंग को देख कर फिर सरप्राइज रह जाते हैं और फिर चैंग उन्हें अपने नैप होने की सारी स्टोरी बताने लगी थी और इधर ही। स्कूल में फंग साहब भी आया होता है जो कि शैन से मिलने के लिए ही आया था चैंग को अफिकस कॉन्स्टिलेशन की चीफ की सारी स्टोरी सुनाने लगते हैं कि उसकी डेथ कैसे हुई थी और यहाँ पर तो सर भी काफ़ी सरप्राइज़ होते हैं कि आखिर उस लेडी की शक्ल चंग से काफ़ी मिलते जुलती क्यों है खैर फिर वो चैंग को वहाँ से जाने का कह देते हैं और वहाँ से जाते हुए चैंग फंग को देख लेती है और फिर इतने दिनों के बाद मिलने पर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और फिर यहाँ पर हक भी कर लेते हैं बहन भी उन दोनों को हक करते देख लेते हैं और वो तो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया था रात को हम हाउ बेबे को देखते हैं जो अपने यूँ दिल टूटने पर ड्रिंक करने एक बार में आई बैठी थी और फिर हमें भी जाता है कि एक स्टूडेंट स्टूडेंट्स को किडनीप कर 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 करने का ही था, और ये लगाना था। और वो अपने इस मिशन के लिए काफी एक्साइटेड भी लग रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि मुझसे जियान भी उनके हाथों किडनेप हो गया और जब एक गुंडा बेबे और को पकड़ने आता है तो वो दोनों उसकी दुर्गत बनाकर भगा देते हैं और हमारा ट्यूट साफ लड़की भी एक लड़की की हेल्प करने के बहाने से विलियंस के हाथों चढ़ ही गया था और इधर हाउ बेबी आर आर्जूडोंग इनविलेंस के बारे में आकर टीचर्स को बताते हैं फिर टीचर आकर ये बैड न्यूज़ प्रिंसिपल को देती हैं फिलहाल तो ये स्कूल क्लोज करने का ही वो ऑर्डर दे देते हैं कि यही ठीक होगा एंड तभी असिस्टेंट की भी वहाँ पर एंट्री हो जाती है फिर टीचर के जाने के बाद सर असिस्टेंट से कहते हैं कि मैंने नोट किया है कि हमारे स्कूल में जो कुछ भी गलत होता है ना कि उसमें तुम्हारा भी कोई ना कोई तो हाथ जरूर है क्योंकि हर मौका पर तुम उसी पेज पर ही मौजूद होते हो एंड देन यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये असिस्टेंट साहब ही और कॉन्स्टिलेशन से ही बिलोंग करते हैं अब ये तो फिर यहाँ पर सर पर ही अटैक कर देते हैं और उन्हें बेहोश कर देता है दूसरी तरफ ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन वाला पर्सन वैन की लैब में पहुंच आया था और उसने तो वहां पर मौजूद सारे वर्कर्स को भी अपने वश में किया होता है और फिर सारे वर्कर्स यहां पर वैन पर ही अटैक कर देते हैं वैन भी उनसे अच्छी फाइट करता है लेकिन इन दी एंडलेशन तो वाले पर्सन के हाथ लग ही गया था अब तभी ऊपर से इतने में एल्डर्स की भी एंट्री हो जाती है और वो यहाँ पर सभी इकट्ठे ही हो गए थे और इधर ही वो विलन्स पे अटैक भी कर देते हैं वो लोग वैन को लेकर बाहर आ जाते हैं अब यहाँ पर एल्डर्स तो वैन को कहते हैं कि अब ये

को मारने का ऑर्डर देता है दूसरी तरफ वैन फंग के पास आता है तो फंग वैन से फिर शैन के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे है तो वैन उसे बताते हैं कि उसे और फिकस कॉन्स्टलेशन के लोग ही पकड़ कर ले गया और यहाँ पर वैन फंक से कहता है कि जब से मैं अपनी कंपनी का हायर बनाऊँ तब से मैंने फील किया है कि मेरा तो सिर्फ जोड़ी एक साइन ही लिया है लेकिन हमारी कंपनी का हायर बनने का असल हकदार तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो वो तो फंक को यहाँ तक कह देते हैं कि इन विलेंस को हराने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टी सोंग दूंगा और यहाँ पर वो दोनों भाई एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला देते हैं अब वो दोनों मिलकर ही इन विलेंस का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल रेडी थे अब इधर ही हम देखते हैं कि ये विलेंस ना फंक को मारने के लिए पहुँच आए होते हैं और यहाँ पर फिर इन लोगों की फाइट अच्छी खासी स्टार्ट ही हो गई थी खरीदने में चेंग भी ऊपर से पहुंच ही आई थी और जब एक विलन चेंग पर नाइफ से अटैक करता है तो फिर इस वक्त चेंग के आगे एक और स्टूडेंट आ जाता है और वो नाइफ़ फिर उसी को ही लग गया था और ये स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि शाह मिंग था और फिर वैन और फेंग तो उन विलन को गुस्से में आकर वहाँ से भगा देते हैं यहाँ पर मिंग की भी डेथ हो जाती है नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स ग्रेवयार्ड मिंग की टॉम पर आए होते हैं और यहाँ पर चेंग तो उसके मरने पर बहुत ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि मिंग ने आखिर को उसकी जान बचाने के लिए ही अपनी जान दाव पे लगाई थी और यहाँ पर जब वो स्टूडेंट्स अपनी क्लासमेट्स के किडनैप होने के बारे में डिस्कशन करते हैं तो वैन उन्हें बताता है कि वो ऑफिकल्स कॉन्स्टिलेशन के लोगों के हाथों किडनैप हो रहे हैं और ये सारे स्टूडेंट्स मिलकर अब अपने फ्रेंड्स को उन विलन के हाथों उनकी जानें बचाने का प्लान बनाने लगते हैं सारे तो स्टूडेंट्स मिलकर उन विलन से फाइट करने की तैयारियाँ ही करने लगे थे और फिर इधर ही वैन चैंग से फिर उसे सॉरी बोलता है और उससे माफ़ी मांगता है यहाँ पर तो वो थके छुपे वर्ड्स में ना चैंग से अपनी दिल की भी बात कर देता है लेकिन अब उन बातों का कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसे पता था चैंक तो सिर्फ और सिर्फ फंग को ही लाइक करती है है पर चेंग भी फैन के के एक अच्छी फ्रेंड होने के नाते ना उसे माफ़ कर देती है। और फिर इधर सारे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को उन विलन से बचाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो गए थे दूसरी तरफ सारे विलन मिलकर कार्ड्स खेल रहे होते हैं तो ऊपर से गुंडा आकर उन्हें बताता है कि उनके अड्डा पर तो सारे स्टूडेंट्स ने अटैक कर दिया और तभी सारे स्टूडेंट्स वहां पर आ भी जाते हैं अब तो स्टूडेंट्स के और इन विलन की फाइट स्टार्ट हो जाती है यहां पर तो वो विलन किए हुए स्टूडेंट्स को हथियार बनाकर उनके फ्रेंड्स के साथ फाइट करवा देते हैं इधर भी जब उनसे फाइट करने की करने की ट्राई लगते हैं तो लिया अपनी सुपर पावर का यूज करके उसे एक चेयर पर बिठा देते हैं और फिर इधर ही सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि असिस्टेंट साहब भी उन में से ही एक हैं और इधर रूफ टॉप पर विलन वैन और फैंक कंपनी स्टार साइन प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रेक्ट करने के लिए तैयारियां ही करने में बिजी होता है और यहाँ पर वैन को जब पता चलता है कि फूबी इन्हीं के साथ ही मिला हुआ है वो तो फिर उसे अपने हाथ से मारने का बिल्कुल इरादा कर लेता है और फिर तभी इन लोगों की फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है आज ये विलन से तो उस प्लेटफॉर्म पर बॉम्ब फिक्स करके उसे डिस्ट्रक्ट करने ही वाले होते हैं तो तब वैन उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने का यहाँ पे प्लान बना लेता है और तभी चैक भी आ जाती है वैन अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली की जान बचाने की खातिर ना यहाँ पे अपनी जान ही दे देता है और फिर तभी चैक को भी चक्कर आने लगते हैं और तभी जेंग में ऑफिकर्स कॉन्स्टिलेशन की चीफ की स्पिरिट आ जाती है उस वक्त विलन तो उसे इन सारे स्टूडेंट्स को मारने के लिए फोर्स करने लगते हैं लेकिन यहाँ पर चैंग अपनी सुपर पावर का यूज़ करके सारे लोगों को बेहोश कर देती है और फिर हमें पता चलता है कि वाकई में, बिल्कुल नहीं रखती। उसके हार्ट में लोगों के लिए फिर हमें एक के बाद का ही सीन दिखाया जाता है आज के दिन मिसेज फंग अपनी फैमिली के हायर्स का नेम ही अनाउंस करने वाली थी अब वैन की तो डेथ हो चुकी थी इसलिए फिर सारे एल्डर्स और मिसेज फंग ने मिलकर फंग ग्रुप कंपनी का इंचार्ज फंग को बनाने का फैसला कर लिया था फिर फंग सेरेमनी ख़त्म होने के बाद चेंग से मिलने रेस्टोरेंट पर आता है तो अंकल उसे बताते हैं कि चेंग तो घर छोड़कर चली गई है और वो तो फंग को देने के लिए एक लेटर भी रख कर गई थी जो अंकल अब फंग को दे देते हैं उस लेटर के अंदर तो चेंग ने अभी तक फंग के यूनिफॉर्म का टूटा हुआ बटन भी संभाल कर रखा हुआ था फिर इस लेटर में चेंग ने अपने फ्रेंड्स और फंग के साथ बिताई लम्हों के बारे में भी लिखा था और इधर फंग अपने सारे फ्रेंड्स को देखने के लिए आता है और देखते हैं कि शन की अभी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी आरली यादंग उसके साथ बैठा उसके ठीक होने का ही वेट कर रहा होता है कितनी ज़्यादा केयर करता है ना क्योंकि आखिर को ये दोनों अब बेस्ट फ्रेंड्स जो बन चुके हैं अब यहाँ पर फंक्च तो के लिखे हुए लेटर को ही अपने दिमाग में रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने यही लिखा था कि हो सकता है कि हम कभी नहीं मिलेंगे लेकिन अगर किस्मत ने हमें साथ मिलाना चाह ना तो हम ज़रूर मिल जाएंगे वो तो फिर उम्मीद करती है कि हम लोग एक दूसरे से मिलकर ना बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो जाएंगे दूसरी तरफ अफिकस कॉन्स्टिलेशन के लोग तो अपने यूँ हारने पर ज़रा भी शर्मिंदा नहीं होते बल्कि वो लोग तो मैन को मारने से बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे अब तभी फिर उस मकान का ऑनर आकर उनसे किराया मांगता है तो वो लोग फिर से उसे देखकर इधर उधर हो जाते हैं मीन का ये नहीं सुधरने वाले हमेशा ऐसे ही ग़रीब ही रहेंगे और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फंग बहुत दिनों के बाद फिर से चेंग के रेस्टोरेंट पहुंच जाया था वो तो इसी वेट में इस रेस्टोरेंट आता रहता है ताकि किसी दिन तो उसकी चेंग से मुलाकात हो ही जाएगी और यहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि नूडल्स बनाकर फंग के लिए लाती है और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये लेडी कोई और नहीं बल्कि चेंग ही होती है क्योंकि उसे देख कर फंख के फेस पर स्माइल जो आ गई थी इससे तो साफ पता चल रहा था कि ऐसी स्माइल आखिर किसे देखकर इसके फेस पर आ सकती फाइनली so इनकी किस्मत ने इन्हें फिर से एक दूसरे से मिलवा ही दिया था और यही पर इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है थैंक यू फॉर वाचिंग सो गाइस आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करिए थैंक